आगे सबक देखिए भाई। फासलुन व इदा बना मस्जिद लम यजुल मिल्कुहू अनहू हत्ता युफ्रिजहू अन मिल्किही बितरीकिही व यअज़न लिन्नास बिस्सलाति फीह फइदा सल्ला फीह वाहिदुन ज़ाल इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाहु तआला अन मिल्किही। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि वक्फ की जो आमदनी है उसी में से सबसे पहले वक्फ की तामीर और मरम्मत करवाई जाएगी, और वजह यह कि वाकिफ ने यह वक्फ इसलिए किया है ताकि ये हमेशा बाकी रहे और उसको हमेशा अजर व सवाब मिलता रहे, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जाए। तो लिहाजा वक्फ की तामीर और मुरम्मत जो है वो इक्तिजाअन साबित हो जाएगी, यानी वक्फ खुद ही उसका तकाजा करता है। तो चाहे वाकिफ ने तामीर और मुरम्मत की शर्त लगाई हो या ना लगाई हो, हर हाल में उसी आमदनी से वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी। और फिर बतलाया था कि यह वक्फ की जो आमदनी है या तो उसने आम फुकरा पर वक्फ की होगी या किसी मुअय्यन आदमी पर और फिर उसके बाद फुकरा के लिए। तो अगर वो फुकरा के लिए वक्फ की है तो फुकरा जो है वो तो गैर महसूर हैं, कोई मुअय्यन नहीं है या उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस वक्फ पर खर्च करें। लेकिन वो फुकरा तो गैर मुअय्यन हैं और उनके और मालों का तो इलम नहीं है, अलबत्ता ये उनका सबसे करीबी माल है ये जो वक्फ की आमदनी है। वजह यह कि वक्फ की आमदनी इन फुकरा ही को दी जाएगी, तो ये उन्हीं का माल है, ये उन्हीं का हक है। तो लिहाजा इस सूरत में फिर इस वक्फ की आमदनी के जरिए ही वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवा दी जाएगी। लेकिन अगर वक्फ किसी मुअय्यन शख्स पर किया है और उसके बाद फिर फुकरा के लिए किया है, तो फिर उस मुअय्यन शख्स से तो मुतालबा मुमकिन है, लिहाजा उससे मुतालबा किया जाएगा कि वो वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाए। तो वो अपने जिस माल से भी तामीर और मुरम्मत करवाना चाहे वो कर सकता है भाई, चाहे वो इसी आमदनी से तामीर और मुरम्मत करवाए क्योंकि ये भी उसी का हक है, उसी का माल है, और वो चाहे तो अपने किसी दूसरे माल से इस वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवा दे भाई। और फिर वक्फ की इतनी ही तामीर और मुरम्मत इस पर लाजिम है कि यह वक्फ उसी हालत पर रहे जिस हालत पर वाकिफ ने इसको वक्फ किया था भाई। जायद वसफ पर इसकी तामीर और मुरम्मत जो है ये उस पर लाजिम नहीं, लिहाजा अगर वो जायद वसफ पर तामीर और मुरम्मत की इजाजत देता है तो फिर तो जायद वसफ पर तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी, और अगर वो जायद खर्च नहीं करना चाहता तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी बतलाया कि अगर वक्फ जो है आम फुकरा पर किया है तो क्या इस सूरत के अंदर भी वक्फ को आला और बेहतर बनाया जा सकता है। तो बतलाया कि बस फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर भी इस पर जायद खर्च करना जायज नहीं, जबकि बास फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में वक्फ पर जायद खर्च करना जायज है। लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि उन फुकाहा का कौल ज्यादा सही है जो फरमाते हैं कि जायद खर्च करना जायज नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि ये जो वक्फ की तामीर और मुरम्मत पर खर्चा किया जाता है वो जरूरत और हाजत की वजह से किया जाता है ताकि वक्फ जो है वो देर तक बाकी रहे और उसका अजर व सवाब वाकिफ को मिलता रहे। तो मालूम हुआ ये तामीर और मुरम्मत है इसकी इजाजत जरूरत की वजह से है और जायद खर्च करने की तो जरूरत नहीं है, लिहाजा जायद खर्च करना जायज भी नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये तो वो वक्फ था जिसकी आमदनी हो, अगर ऐसा वक्फ है जिसकी आमदनी नहीं है बल्कि उसके मुनाफा किसी के लिए वक्फ किए हैं तो इस सूरत में वक्फ की तामीर और मुरम्मत उसी के जिम्मे है जिसके लिए वक्फ के मुनाफा हैं, इसलिए क्योंकि हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल खराज बिज़मानी, कि नफा जो होता है वो जमान के बदले होता है। ये शख्स जो है वक्त के मुनाफा से फायदा उठा रहा है तो लिहाजा इस वक्त की तामीर और मुरम्मत का खर्चा भी इसी पर आएगा। ये इसी तरह है जैसे किसी शख्स के लिए गुलाम की खिदमत की वसीयत कर दी जाए, तो अब वो जो मूसा लहू है वो तो गुलाम का मालिक नहीं है, सिर्फ उसके लिए गुलाम की खिदमत है, लेकिन गुलाम की खिदमत का नफा वो उठा रहा है तो गुलाम के खाने पीने और कपड़ों का खर्चा भी उसी के जिम्मे होगा।
और अगर उस मौकूफ अले को कहा गया कि इस वक्त की तामीरों मुरम्मत करवा दो और उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं तो इस पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, या वो फकीर है उसके पास माल है ही नहीं, तो कहते हैं इस सूरत में फिर हाकिम को चाहिए कि ये वक्फ उससे ले ले और किसी को किराए पर दे दे, और फिर जब इतना किराया जमा हो जाए कि जिसके जरिए वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जा सकती है तो फिर इस वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवा ले और फिर उसी मौकूफुन अलैह के हवाले कर दे, उसी मौकूफुन अलैह के हवाले कर दे। भाई यहां सवाल पैदा होता है कि जब मौकूफुन अलैह इस पर खर्च करने पर राजी नहीं, मालूम हुआ वो इसके अंदर अपने हक को बातिल कर रहा है, वो इस वक्फ के अंदर जो अपनी रिहाइश है उससे दस्तबरदार हो रहा है, तो लिहाजा तामीर और मुरम्मत करवाने के बाद ये वक्फ वापस उस मौकूफ अलैह को नहीं देना चाहिए। तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि नहीं, वो जो खर्च करने से रुक गया उसमें दो एहतमाल हैं, हो सकता है वो अपना हक छोड़ रहा हो और हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान से बचाना चाहता है, वो अपना माल नहीं खर्च करना चाहता। तो लिहाजा जब इस तामीर और मुरम्मत से रुकने में दो एहतमाल आ गए तो मालूम हुआ उसका अपने हक को छोड़ना कतई न रहा, जब कतई न रहा तो लिहाजा इसकी वजह से उसके हक को बातिल करार नहीं दिया जाएगा और यह वक्त फिर भी उसी के हवाले किया जाएगा। भाई और बतलाया था कि अगर ये वक्त पर खर्च करने से रुक जाए तो फिर इसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि काजी जबरन उससे खर्चा करवाए, नहीं इसको मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि जब ये वक्फ की मुरम्मत करवाएगा तो फिर इसका माल खर्च होगा और ये अहम जाबता है फिका का कि किसी को भी अपना माल खर्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स के साथ खेती बाड़ी के अंदर शिरकत का अकद कर लिया कि हम दोनों मिलकर इस जमीन में खेती बाड़ी करेंगे और पैदावार फिर हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे, तो अब यहां पर जिस शख्स के लिए बीज की शर्त तय हुई थी कि बीज ये लेकर आएगा, बीज इसके जिम्मे है, अगर वो इस खेती बाड़ी के आकद पर चलने से रुक गया कि नहीं मैं इस आकद पर नहीं चलूंगा, तो इस सूरत में काजी भी उसको मजबूर नहीं कर सकता। वजह यह क्योंकि इस आकद पर चलने में उसको अपना बीज खर्च करना पड़ेगा और किसी भी इंसान को अपना माल खर्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये मौकूफ अल है, जो वक्त की मुरम्मत से रुक गया है ये उस बीज वाले की तरह है जो आकदे मुजारात पर चलने से रुक गया है, और जैसे उसको मजबूर नहीं किया जा सकता इसी तरह इस मौकूफ अल को भी वक्त की मुरम्मत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। भाई और साहिब हिदायत ने आपको ये भी बतलाया कि जो वक्त को किराए पर देगा ये काजी देगा, खुद वो मौकूफ अल है, इस वक्त को आगे किसी को किराए पर नहीं दे सकता। वजह यह है कि वो न इस वक्फ का मालिक है और न इसके मुनाफे का मालिक है, उसके लिए सिर्फ मुनाफे मुबाह किए गए हैं, वो इस वक्फ से फायदा उठाना चाहता है, इसमें रिहाइश रखना चाहता है, तो उसके लिए यह मुबाह किया गया है। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स कोई मकान वगैरह किराए पर लेता है तो वहां वो चूंकि उजरत अदा करता है तो उस मकान की रिहाइश का मालिक बन जाता है, वो उस मकान के मुनाफे का मालिक बन जाता है, तो वो उस मकान को आगे भी किसी और को किराए पर दे सकता है। लेकिन ये जो मौकूफ अल है ये तो इस वक्फ के मुनाफे का मालिक नहीं बना, बल्कि इसके लिए मुनाफे सिर्फ मुबाह किए गए हैं कि अगर वो इसमें रहना चाहता है तो रह सकता है। भाई बात समझ में आ गई, तो लिहाजा मौकूफ अल जो है वो इस वक्फ को आगे किराए पर नहीं दे सकता क्योंकि ना वो इस वक्फ का मालिक है और ना इसके मुनाफे का मालिक है। भाई और फिर साहिब हिदायत ने ये भी बतलाया कि अगर वक्फ की इमारत में से कुछ हिस्सा गिर जाए या उसके आलात जो हैं यानी दरवाजे खिड़कियां या कोई और इस तरह की चीज गिर जाए तो फिर वाकिफ अगर जरूरत हो तो उसी को लगवा दे, और अगर फिलहाल जरूरत नहीं है तो हाकिम इसको महफूज रख ले ताकि जब जरूरत पेश आए इनको लगवाने की तो फिर इनको लगवा लिया जाए। भाई और अगर ये जो वक्फ का हिस्सा गिर गया है अगर इसको उसी जगह पर लगाना मुमकिन नहीं, ये इतना खराब हो गया है, तो फिर इस सूरत में इस दरवाजे को मसलन एक दरवाजा खराब हो गया है, अब इस दरवाजे को तो वहां लगवाने की सूरत में ये इतना ज्यादा खराब हो गया है, तो फिर इस सूरत में इस दरवाजे को मुस्तहकीन वक्फ पर तकसीम नहीं किया जाएगा क्योंकि यह उनका हक नहीं है, बल्कि इस दरवाजे को बेच दिया जाएगा और फिर जो समन हासिल होंगे वो
उस जगह पर लगवाए जाएंगे, यानी उनके जरिए नया दरवाजा खरीद कर लगा दिया जाएगा। तो मुबदल तो वहां न लग सका, मुबदल क्या था, वो दरवाजा जो उखड़ गया था, तो मुबदल तो वहां नहीं लग सकता था, तो मुबदल को बेचकर जो उसका बदल यानी समन हासिल हुए उनको वहां पर लगवा दिया गया, यानी उनके जरिए नया दरवाजा वहां पर लगवा दिया गया। तो जब मुबदल का लगवाना मुमकिन न था तो फिर उसके बदल को यानी उसके समन के जरिए खरीदे हुए नए दरवाजे को मसलन वहां लगवा दिया जाएगा। सूरत समझ में आ रही है। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर वाकिफ जो है यानी वक्फ करने वाला अगर वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगा लेता है कि जिंदगी भर इस वक्फ की आमदनी से मैं नफा उठाऊंगा और मेरे मरने के बाद यह फुकरा पर खर्च की जाए, या निसफ आमदनी अपने लिए शर्त कर ली कि यह बाग मेरी तरफ से वक्फ है और इसकी निसफ आमदनी जिंदगी भर मैं इस्तेमाल करूंगा और निसफ फुकरा पर खर्च की जाए और मेरे मरने के बाद फिर सारी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए, तो आपको बतलाया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक यह जायज है। अलबत्ता इसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है भाई, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के अंदर मुतवल्ली का कब्जा शर्त है और मुतवल्ली का कब्जा इसलिए शर्त है ताकि वाकिफ का हक इस वक्फ से मुनकते हो जाए, खत्म हो जाए। और जब वाकिफ ने अपने लिए आमदनी की शर्त लगा दी फिर तो वाकिफ का हक इस वक्फ से मुनकते नहीं हुआ, तो यह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं। तो ये जो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के दरमियान इख्तिलाफ आया इस मसले में कि वाकिफ अपने लिए इस वक्फ की आमदनी की शर्त लगा सकता है या नहीं, फिर इसके बारे में बाज फुकहा फरमाते हैं कि इस इख्तिलाफ की बुनियाद दरअसल एक और इख्तिलाफ पर है जो साहिबैन के दरमियान है कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक मुशा का वक्फ जायज नहीं बल्कि उस वक्फ को अलग करना और मुतवल्ली के कब्जे में देना उनके नजदीक शर्त है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक वक्फ को अलग करना और मुतवल्ली के कब्जे में देना शर्त नहीं है। तो चूंकि इस कब्जे और इफराज के अंदर दोनों का इख्तिलाफ था इसलिए मुतवल्ली की अपने लिए आमदनी की शर्त लगाने में भी इख्तिलाफ आया। तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस दूसरे इख्तिलाफ पर है, जबकि बास फुकहा फरमाते नहीं यह अलग नया मसला है, इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस इख्तिलाफ पर नहीं है बल्कि यह अलग मसला है, इसकी अलग दलील है। बात समझ में आ गई। और फिर यह भी बतलाया था कि अगर वाकिफ जो है वह अपने मुदब्बर और उम्महात औलाद के लिए वक्फ की आमदनी की शर्त लगा दे तो बास फुकहा फरमाते हैं यह साहिबैन के नजदीक बिल इतफाक सही है भाई, लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया कि सही कौल यही है कि अपने मुदब्बर और उम्महात औलाद के लिए आमदनी की शर्त लगा दे तो इसमें भी साहिबैन का इख्तिलाफ है और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक यह जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी आमदनी की शर्त अपने मुदब्बर और उम्महात औलाद के लिए लगाना यह इसी तरह है जैसे अपने लिए आमदनी की शर्त लगा रहा है, क्योंकि मुदब्बर और उम्महात औलाद का जो खर्चा होगा वो उसी मालिक पर है, उसी वाकिफ पर है, तो जब उन पर खर्च करने की शर्त लगाई तो गोया अपने लिए खर्च करने की शर्त लगा दी भाई। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने इमाम मोहम्मद रहमला के कौल की वजह जिक्र फरमाई थी कि इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं वाकिफ का वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना यह सही नहीं है, इसलिए क्योंकि वक्फ जो है यह तबर्रुअ है, यह बतौर नेकी और एहसान के होता है और इसमें तमलीक होती है, इसमें अल्लाह को इसका मालिक बनाया जाता है, लिहाजा बाज आमदनी की या सारी आमदनी की अपने लिए शर्त लगाना यह तो ऐसे ही है जैसे अपने आप को मालिक बना रहा है, हालांकि अपने आप को मालिक बनाना नहीं हो सकता, मालिक दूसरे को बनाया जाता है, मालिक दूसरे को बनाया जाता है, तो तमलीक का माना है दूसरे को मालिक बनाना और तमलीक जो है दूसरे की ही हो सकती है, अपने आप की तमलीक नहीं हो सकती क्योंकि वाकिफ तो खुद ही पहले से इसका मालिक है भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना ये इसी तरह है जैसे सदके की शर्त अपने लिए लगाना कि एक शख्स जो है वो फकीर को 10 दिरहम देता है कि ये लो ये मेरी तरफ से सदका है और शर्त ये है कि इसमें से 5 दिरहम मेरे हैं, तो ये तो जायज नहीं है। या एक शख्स अपनी जमीन वक्फ करता है कि यह मेरी सारी जमीन जो है यह मस्जिद के लिए वक्फ है लेकिन शर्त यह है इस मस्जिद का एक टुकड़ा मेरा होगा भाई, तो यह शर्त तो जायज नहीं है।
तो लिहाजा इसलिए वो फरमाते हैं वक्त की शर्त अपने लिए लगाना जायज नहीं है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्फ की आमदनी में से खाते थे, और अपने वक्फ की आमदनी में से खाना यह तो बगैर शर्त के जायज नहीं है। मालूम हुआ वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना जायज है। और फिर साहिब हिदाया ने अकली दलील भी जिक्र फरमाई थी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की तरफ से। वो फरमाते हैं कि जब वाकिफ वक्फ की शर्त अपने लिए लगा दे तो ये अपने आप को मालिक नहीं बना रहा, बल्कि वक्फ तो अल्लाह का ममलूक हो जाता है, और अल्लाह के ममलूक की वो अपने लिए शर्त लगा रहा है, और अल्लाह की ममलूक चीज की शर्त अपने लिए लगाना जायज है, क्योंकि अल्लाह की ममलूक चीज से नफा उठाना और उसको अपने लिए खास करना जायज है। जैसे हम जंगल से शिकार पकड़ते हैं या लकड़ियां लाते हैं, तो ये शिकार और लकड़ियां ये तो अल्लाह की ममलूक थी, लेकिन उसको लाने वाले ने अपने लिए खास कर लिया, तो अल्लाह की ममलूक चीज को अपने लिए खास करना जायज है। तो वाकिफ के लिए भी वक्फ की आमदनी अपने लिए खास करना जायज है। और नीज दूसरी अकली दलील जिक्र की थी कि वक्फ के जरिए जो मकसद होता है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, ताकि ये इस वक्फ की आमदनी सदका हो और वाकिफ को सवाब मिलता रहे। और हदीस में आता है आदमी का अपने ऊपर खर्च करना ये भी सदका है, इसी तरह अपने घर वालों पर खर्च करना ये भी सदका है। मालूम हो अपने लिए भी वक्फ की आमदनी रखेगा तो भी वक्फ का मकसद हासिल हो रहा है, लिहाजा ये जायज होगा। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर वाकिफ ने यह शर्त लगा दी कि मैं ये जमीन वक्फ कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने चाहा तो इस जमीन को बदल दूंगा दूसरी जमीन के साथ, यानी ये जमीन मैं ले लूंगा और इसकी जगह दूसरी जमीन बतौर वक्फ के दे दूंगा, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह शर्त जायज है, ये शर्त जायज है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह वक्फ तो जायज है लेकिन यह शर्त बातिल है, ये शर्त बातिल है, क्योंकि ये ऐसी शर्त है जिसकी वजह से मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही, मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही। बाज़ औक़ात तो ऐसी शर्त लगाई जाती है जिसकी वजह से मिल्कियत खत्म होने में ही रुकावट आ जाती है, वाकिफ की मिल्कियत खत्म होती ही नहीं है, जैसे अगले मसले में खियार शर्त के अंदर है भाई, तवज्जो है तो। लेकिन ये जो शर्त है ये ऐसी शर्त है जिसकी वजह से वाकिफ की मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही, लिहाजा जब वो वक्फ करेगा इस शर्त के साथ तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी, उसकी विलायत खत्म हो गई और ये जमीन वक्फ हो गई, और अब इसको इस पर विलायत ही नहीं, लिहाजा अब वो इस जमीन को बदल नहीं सकता क्योंकि यह जमीन उसकी मिल्कियत से निकल चुकी है, तो वक्फ तो सही हो गया और शर्त जो है वो बातिल हो गई। और अगर इसके मुकाबले में अगर किसी ने वक्फ के अंदर अपने लिए खियारे शर्त रखा कि मेरी ये जमीन वक्फ है लेकिन मुझे 3 दिन तक इख्तियार है, मैं इस वक्फ को फसख करना चाहूं तो फसख कर सकता हूं, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये वक्फ भी जायज है और शर्त भी जायज है, इसलिए क्योंकि वाकिफ जब वक्फ की आमदनी अपने लिए खास कर सकता है तो अपने लिए खियारे शर्त भी रख सकता है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये वक्फ ही बातिल है, ये वक्फ ही बातिल है, इसलिए क्योंकि खियारे शर्त जब वाकिफ ने अपने लिए रखा है तो वक्फ उसकी मिल्कियत से नहीं निकला, जब उसकी मिल्कियत से नहीं निकला तो वक्फ ही नहीं हुआ, क्योंकि वक्फ के होने के लिए तो वाकिफ की मिल्कियत का खत्म होना जरूरी था भाई, तो जब वाकिफ की मिल्कियत से वक्फ नहीं निकला तो यह वक्फ ही ना हुआ, यह वक्फ बातिल है भाई। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद बतलाया था कि अगर वाकिफ जो है ये शर्त लगा दे कि वक्फ की विलायत मुझे हासिल रहेगी, कि मैं इसका खुद मुतवल्ली होऊंगा, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा और इसमें तसरुफात करूंगा, तो इसमें भी साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये जायज है, और यही जाहिर मजहब है अहनाफ का भाई। और दलील जिक्र फरमाई थी कि वक्फ का जो मुतवल्ली है उसको ये जो विलायत मिलती है ये वाकिफ की तरफ से मिलती है, तो ये महाल है कि दूसरे को तो वाकिफ की तरफ से वक्फ की विलायत मिल रही हो और वाकिफ को खुद वो विलायत हासिल ना हो, बल्कि जब दूसरे को विलायत वाकिफ से मिल रही है तो वाकिफ को खुद भी विलायत हासिल होगी वक्फ पर भाई।
और फिर यह भी बतलाया कि अगर वाकिफ जो है अपने लिए विलायत की शर्त लगा दे लेकिन वह काबिल एतमाद आदमी नहीं है, इस वक्त वह फुकारा पर खर्च कर रहा है लेकिन कहीं ऐसा ना हो बाद में उसकी नीयत खराब हो जाए और यह इस वक्त पर पूरा कब्जा कर ले, फुकारा पर फिर खर्च ही ना करे। तो लिहाजा अगर वाकिफ इस किस्म का आदमी है जो काबिल एतमाद नहीं है तो काजी फिर इसको वक्फ से अलग कर सकता है कि उस वक्फ को उससे ले ले और किसी और के हवाले कर दे, किसी और की निगरानी में दे दे फुकरा की रियायत रखते हुए। जैसे काजी के लिए जायज है कि वसी जो है अगर वह काबिल एतमाद ना हो तो उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को मुकरर कर दे उन नाबालिगों की रियायत रखते हुए भाई। और अगर वाकिफ ने यह शर्त लगा दी कि ये मेरी जमीन वक्फ है और मैं खुद ही इसका मुतवल्ली हूं और किसी बादशाह या काजी को भी ये हक नहीं होगा कि वो मुझे इसकी विलायत से हटा सके, तो साहिब हिदायत ने बतलाया अगर वाकिफ ने ऐसी शर्त भी लगा दी फिर भी काजी के लिए वाकिफ को हटाना जायज है, इस शर्त का कोई एतबार नहीं क्योंकि वाकिफ ने ऐसी शर्त लगाई है जो शरई हुक्म के खिलाफ है, लिहाजा यह शर्त बातिल होगी, इसका कोई एतबार नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन व इदा बना मस्जिद लम यजुल मिल्कुहू अन्हु हत्ता युफ्रिजहू अन मिल्किही बितरीकिही व यअज़न लिन्नास बिस्सलाति फीह फइदा सल्ला फीह वाहिदुन ज़ाल इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला अन मिल्किही। इस फसल के अंदर साहिब हिदाया एक खास वक्फ यानी मस्जिद के अहकाम बयान फरमाएंगे और उसके साथ साथ कुछ आम वक्फ के अहकाम भी बयान फरमाएंगे। याद रखो ये जो मस्जिद है ये आम औकाफ से मुख्तलिफ है, हमारे तीनों इमा के नजदीक ये आम औकाफ से मुख्तलिफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह वक्फ के अंदर शर्त लगाते हैं कि वक्फ मुतवल्ली के कब्जे में दिया जाए लेकिन मस्जिद के मामले में वो भी फरमाते हैं कि मस्जिद किसी के कब्जे में देने की जरूरत नहीं, उसके बगैर ही वाकिफ की मिल्कियत इस पर से खत्म हो जाएगी। और नीज ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी आम वक्फ से मुख्तलिफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक आम वक्फ जो है मुशा के अंदर भी जायज है, एक आदमी का हिस्सा फैला हुआ है उसके अंदर भी आम वक्फ जायज है लेकिन मस्जिद के अंदर वह फरमाते हैं मुशा का वक्फ जायज नहीं है भाई। और नीज ये मस्जिद इमाम साहब के नजदीक भी आम वक्फ से मुख्तलिफ है, इमाम साहब के नजदीक जो है आम वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती इल्ला ये कि काजी या हाकिम उसका फैसला कर दे, तो जब काजी या हाकिम फैसला करेगा फिर वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म होगी, वरना वाकिफ जो है उस वक्फ में रुजू भी कर सकता है और उसको बेच भी सकता है और हिबा भी कर सकता है। तो इमाम साहब के नजदीक आम वक्फ से वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती इल्ला ये कि हाकिम उसका फैसला कर दे, लेकिन मस्जिद के बारे में वो भी फरमाते हैं कि मस्जिद पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी बगैर किसी हाकिम के फैसले के ही। मालूम हुआ मस्जिद का वक्फ आम औकाफ से मुख्तलिफ है भाई। तो कहते हैं फसलोन, मैंने आपको बतलाया इस फसल के अंदर साहिब हिदायत मस्जिद के अहकाम भी बयान फरमाएंगे और आम वक्फ से मुतालिक कुछ अहकाम भी बयान फरमाएंगे, यानी यूं समझो इस फसल में दो बहसें होंगी, पहली बहस मस्जिद के बारे में होगी और फिर दूसरी बहस जो है आम औकाफ के बारे में होगी भाई। तो अब यह पहली बहस शुरू हो रही है भाई। कहते हैं वह इदा बना मस्जिदन, और जब किसी शख्स ने कोई मस्जिद बनाई लम यजुल मिल्कुहू अन्हु तो उस वाकिफ की मिल्कियत उस मस्जिद पर से खत्म नहीं होगी हत्ता युफ्रिजहू अन मिल्किही बितरीकिही, हत्ता युफ्रिजहू यहां तक कि वो वाकिफ इस मस्जिद को जुदा कर दे अन मिल्किही अपनी मिल्कियत से बितरीकिही उसके रास्ते के साथ। दो शर्तें जिक्र करेंगे भाई, कोई वाकिफ जो है अपनी जमीन अपनी जायदाद को मस्जिद बनाना चाहता है तो एक शर्त यह है कि इस मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे रास्ते के साथ, क्योंकि मस्जिद में आम लोगों के आने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे उसके रास्ते के साथ। और दूसरी शर्त आपको यह बतलाएंगे कि इसमें लोगों को नमाज की इजाजत दे दे, तो जब इसके अंदर एक भी शख्स नमाज पढ़ लेगा तो अब यह मस्जिद हो गई और उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गई, अब वो उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गई। बात समझ में आ गई।
तो कहते हैं वह इदा बना मस्जिदन, और जब किसी शख्स ने कोई मस्जिद बनाई, लम यजुल मिल्कुहू अनहू, तो उसकी मिल्कियत उस मस्जिद पर से खत्म नहीं होगी, हत्ता युफ्रिजहू अन मिल्किही, यहां तक कि वो इस मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे, भी तरीके ही उसके रास्ते के साथ। तो ये पहली शर्त है, मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे। और दूसरी शर्त जो है कि वह अज़ाना लिन्नास भी सलाती फी, और लोगों को इसके अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। फइदा सल्ला फीहि वाहिदुन, जब इसके अंदर कोई एक शख्स भी नमाज पढ़ लेगा, ज़ाल इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला अन मिल्किही, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक ये मस्जिद उस शख्स की मिल्कियत से ज़ाइल हो जाएगी, उस शख्स की मिल्कियत इस मस्जिद पर से खत्म हो जाएगी। अमल इफराज, अब वजह बयान करने लगे हैं कि हमने कहा कि मस्जिद के अंदर दो शर्तें हैं, कि अपनी मिल्कियत से उसको जुदा करे, और दूसरा उसके अंदर आम लोगों को नमाज की इजाजत हो, और कोई एक भी आकर नमाज पढ़ लेगा तो फिर यह मस्जिद बन जाएगी। तो जुदा करने की शर्त हमने इसलिए लगाई क्योंकि यह मस्जिद जो है यह खालिस अल्लाह के लिए होती है, यह मस्जिद जो है खालिस अल्लाह के लिए होती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह अन्नल मसाजिद लिल्लाही, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। भाई वैसे तो हर चीज अल्लाह की है, लेकिन बिलखुसूस मस्जिदों की निस्बत की अल्लाह ताला ने अपनी तरफ। भाई तो इस निस्बत और इस इजाफत का फायदा जो है वो ये है कि ये मस्जिद जो होती है ये खास अल्लाह की होती है, यानी अल्लाह की ममलूका होती है, अल्लाह के कब्जे में होती है, किसी और के कब्जे में नहीं होती। और नीज ये मस्जिद जो है इससे बंदों का हक मुनकतिअ हो जाता है। आम जो वक्फ है उससे तो आम लोग फायदा उठाते हैं, कोई बाग है तो उसकी आमदनी से फुकरा फायदा उठा रहे हैं, कोई सराय बनवाई है तो उसके अंदर लोग आकर ठहरते हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं, कोई पानी की सबील लगाई है तो लोग उससे पानी लेकर जाते हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं, किसने कब्रिस्तान वक्फ किया है तो लोग उसमें अपने मुर्दे दफन करके उससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मस्जिद जो है उससे बंदों का हक मुनकते हो जाता है, उससे बंदों के लिए फायदा उठाना जायज नहीं, वो सिर्फ इबादत के लिए होगी। लिहाजा बंदे इससे फायदा उठाना चाहते हैं, मसल मस्जिद को किराए पर देना चाहते हैं, या मस्जिद के अंदर अपना सामान वगैरह रखना चाहते हैं, या मस्जिद को अपनी रिहाइश की जगह बनाना चाहते हैं, नहीं भाई, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है। भाई बंदों के लिए इससे नफा उठाना जायज नहीं, बंदों का हक इससे मुनकते हो चुका है। तो इसीलिए कहते हैं हमने यह शर्त लगा दी कि मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे ताकि यह खालिस अल्लाह के लिए हो जाए। भाई तो कहते हैं अमल इफराजू, तो मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जो अलग करना है, फली अन्नहु ला यखलुसु लिल्लाहि तआला इल्ला बिही, इसलिए क्योंकि ये खालिस अल्लाह के लिए नहीं हो सकती, इल्ला बिही, मगर इस जुदा करने से ही, जुदा करेगा तो फिर ये खालिस अल्लाह के लिए हो जाएगी। वह अम्मा सलातु फीही, और बाकी मस्जिद के अंदर जो नमाज है, हमने जो मस्जिद में नमाज की शर्त लगाई कि आम लोगों को उसमें नमाज की इजाजत हो, अब उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं वह अम्मा सलातु फीही, और बाकी मस्जिद के अंदर नमाज जो है, फली अन्नहु ला बुद्द मिनत तस्लीम इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, इसलिए क्योंकि सुपुर्द करना ये तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक जरूरी है, वाकिफ का वक्फ को सुपुर्द करना ये तरफेन के नजदीक जरूरी है। वह युश्तरतु तस्लीमु नौईही, और जो नौ हो, जो किस्म हो, उसी नौ का सुपुर्द करना शर्त होगा, जिस किस्म की चीज है उसी किस्म का सुपुर्द करना भी शर्त होगा। अब अगर कोई अपना बाग वक्फ करता है तो बाग के लिए तो मुतवल्ली चाहिए, निगरान चाहिए, उसका इंतजाम संभालने वाला चाहिए, लिहाजा उसके सुपुर्द करना शर्त होगा। लेकिन मस्जिद का तो कोई मुतवल्ली नहीं होता, मस्जिद का तो, ये याद रखो, ये कदीम जमाने के अंदर आम तौर पर देहात वगैरह में कोई मस्जिद होती उसका कोई मुतवल्ली नहीं होता था। बात समझ में आ गई, आज भी बहुत से देहात में इसी तरह होता है, मस्जिद का कोई मुतवल्ली नहीं होता, किसी की निगरानी वगैरह की वहां जरूरत नहीं, लोग आते हैं नमाज के वक्त और जमात करवाई जाती है, बाकी कोई और अलग मुतवल्ली नहीं होता, उसमें किसी इंतजाम और इंसराम की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल तो मस्जिदों के भी मुतवल्ली होते हैं, मस्जिद के इंतजाम को चलाया जाता है। तो दलील चल रही है कि हमने मस्जिद के अंदर नमाज की शर्त लगाई,
मस्जिद में नमाज की शर्त लगाई, फिर यह मस्जिद बनेगी, उससे पहले यह मस्जिद नहीं, उससे पहले यह वक्फ नहीं है। कहते हैं वजह यह क्योंकि यहां मस्जिद का तो कोई मुतवल्ली होता नहीं, मस्जिद तो किसी के कब्जे में नहीं दी जाती, वो तो अल्लाह के कब्जे में होती है, तो जिस नौ की चीज हो उसी नौ का कब्जा भी शर्त होता है। और मस्जिद के अंदर वह नमाज से होगा कि जब आम लोगों को नमाज पढ़ने की उसमें इजाजत होगी कि आम लोग उसमें नमाज शुरू कर दें, तो मस्जिद पर कब्जा आ गया, और जब कब्जा आ गया तो यह जमीन वक्फ हो गई, मस्जिद हो गई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयुष्तरतु तस्लीमु नौई ही, और उसी नौ का सुपुर्द करना शर्त होगा। वदालिका फिल मस्जिद भी सलाति फी ही, और यह मस्जिद के अंदर उसमें नमाज पढ़ने से होगा। औली अन्नहु, या इस वजह से हमने मस्जिद के अंदर नमाज की भी शर्त लगाई, एक तो इस वजह से कि यह सुपुर्द करना शर्त है और हर नौ में सुपुर्द करना उसी नौ के मुताबिक होगा, और मस्जिद के अंदर सुपुर्द करना नमाज के जरिए होगा। अब दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर हमने नमाज की शर्त इसलिए लगाई क्योंकि मस्जिद के अंदर कब्जा मुतअज़्ज़िर है, मस्जिद का मुतवल्ली नहीं होता, मस्जिद किसी मुतवल्ली के कब्जे में नहीं दी जा सकती, तो जब कब्जा मुतअज़्ज़िर हो गया तो मस्जिद का जो मकसद था उस मकसद को कब्जे के कायम काम कर दिया, और मकसद मस्जिद में नमाज पढ़ना था, तो जब मकसद हासिल हो जाएगा, एक भी शख्स इसके अंदर नमाज पढ़ लेगा तो मकसद हासिल हो गया, और यह मकसद कब्जे के कायम मकाम है, गोया कब्जा पाया गया, और जब कब्जा पाया गया तो यह मस्जिद हो गई, यह वक्फ हो गया। तो कहते हैं औली अन्नहु, या इस वजह से, लम्मा तअज़्ज़र अल-क़ब्ज़ु, जब कब्जा मुतअज़्ज़िर हो गया, क्योंकि मस्जिद में हकीकी कब्जा अल्लाह ही का है, तो कहते हैं लिअन्नहु लम्मा तअज़्ज़र अल-क़ब्ज़ु, इसलिए क्योंकि जब मस्जिद पर कब्जा मुमकिन न रहा तो युकामु तहक्कुकुल मकसूदी मकामहु, तो लिहाजा मकसूद का पाया जाना उसको उस कब्जे के कायम मकाम कर दिया जाएगा। सुम्मा युक्तफा बिसलातिल वाहिदी फीही, और उसके बाद फिर इन्होंने मतन में बतलाया था कि एक शख्स भी इसमें नमाज पढ़ लेगा तो यह मस्जिद हो जाएगी। यहां से यह बतला रहे हैं कि इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि एक आदमी भी इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लेगा तो यह मस्जिद हो जाएगी, यह वक्फ हो जाएगी, यानी इस पर कब्जा आ गया, जब कब्जा आ गया वक्फ के अंदर तो वह वक्फ पूरा हो गया। तो कहते हैं सुम मयुक्तफा बिसलातिल वाहिदी फीही, फिर इक्तफा किया जाएगा उस मस्जिद में एक शख्स की नमाज पर ही। ऊपर मतन में बतलाया एक शख्स भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ लेगा तो यह मस्जिद हो गई। तो कहते हैं सुम मयुक्तफा बिसलातिल वाहिदी फीही, फिर उस मस्जिद के अंदर एक शख्स की नमाज पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा, यानी उसी से वह मस्जिद हो जाएगी। फिर रिवायतिन अन अबी हनीफा रहमहुल्ला, इमाम साहब से एक रिवायत के मुताबिक, वकदा अन मोहम्मदिन रहमहुल्ला, और इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला से भी रिवायत है कि एक ही आदमी की नमाज उसमें काफी है। भाई लिअन नफ़ल जिनसी मुतअज़्ज़िरुन, भाई क्यों एक आदमी की नमाज क्यों काफी है? कहते हैं इसलिए क्योंकि सारे लोगों की नमाज तो मुमकिन नहीं कि सारी दुनिया के नमाजी इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ लें, तो जब सारी जिन्स का फेल यानी तमाम इंसानों का इसमें नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं तो उसके अदना यानी एक फर्द पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा। तो कहते हैं लिअन नफ़ल जिन्स मुतअज़्ज़िरुन, इसलिए क्योंकि सारी जिन्स इंसान का फेल तो इसमें मुतअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है। फयुश्तरतु अदनाहु, तो लिहाजा कम से कम जो है उसकी शर्त लगा दी जाएगी और वह एक फर्द है भाई। और फिर यह भी याद रखना, फुकहा फरमाते हैं कि अगर वाकिफ ने खुद ही उसमें नमाज पढ़ ली तो क्या इससे भी वो वक्फ हो जाएगी, वो मस्जिद हो जाएगी? तो बास फुकहा फरमाते हैं कि हां इस सूरत में भी ये मस्जिद हो जाएगी, लेकिन सही कौल इसके अंदर ये है कि वाकिफ का खुद नमाज पढ़ना काफी नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि जो नमाज की शर्त लगाई गई है वो इसलिए है ताकि आम लोगों के कब्जे में आ जाए वो मस्जिद भाई, और आम लोगों का कब्जा तभी साबित होगा जब वाकिफ के अलावा कोई और उसमें नमाज आकर पढ़ेगा भाई। आगे देखिए, वान मोहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से एक रिवायत यह भी है कि अन्नहु युश्तरतु सलातु बिल जमाअती, के मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज शर्त होगी। लिअन्नल मस्जिद बुनिया लिज़ालिका फिल गालिबी,
इसलिए क्योंकि गालिबन जो है मस्जिद को इसीलिए बनाया जाता है, अक्सर मस्जिद को इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसमें बाकायदगी से बाजमात नमाज अदा की जाए। वैसे अकेले तो कहीं और भी नमाज अदा हो सकती है, या वैसे एक आध मरतबा जमात के साथ तो कहीं और भी नमाज अदा हो सकती है, लेकिन मस्जिद को किस लिए बनाया जाता है? ताकि इसमें बाकायदगी से जमात के साथ नमाज को अदा किया जाए। तो इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं चूंकि मस्जिद को इस मकसद के लिए बनाया जाता है, लिहाजा इसमें एक दफा बाजमात नमाज होगी तो फिर ही यह मस्जिद बनेगी। यह एक रिवायत है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से। भाई आगे देखिए, वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यजूल मिल्कुहु बिकौलिही जअलतुहु मस्जिदा, कि वाकिफ जब यह कह देगा मैंने यह जमीन मस्जिद बना दी, तो उसके ये कहते ही ये जमीन मस्जिद हो गई, ये वक्फ हो गया। भाई तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कब्जा शर्त नहीं है, सिर्फ वाकिफ के कहने से ही ये मस्जिद हो जाएगी। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं, यजूल मिल्कुहु बिकौलिही, के वाकिफ के ये कहने से ही उसकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी, जअलतुहु मस्जिदा, कि मैंने इसको मस्जिद बना दिया है, लिअन्न तस्लीम इंदहु लैस बिशर्तिन, इसलिए क्योंकि मुतवल्ली के सुपुर्द करना यह उनके नजदीक शर्त नहीं है, लिअन्नहु इस्कातुन लिमिल्किल अब्दी, इसलिए क्योंकि जो वक्फ है उनके नजदीक बंदे की मिल्कियत को साकित करना है। वक्फ में बंदे की मिल्कियत साकित की जाती है और वो सिर्फ जुबान के जरिए हो जाती है, जैसे एताक है, एताक में आका गुलाम पर से अपनी मिल्कियत साकित करता है, तो सिर्फ जुबान के जरिए ही मिल्कियत साकित हो जाती है। तो इसी तरह वक्फ में भी सिर्फ जुबान से कहने से ही वो वक्फ हो जाएगा और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नहु इस्कातुन लिमिल्किल अब्दी, इसलिए क्योंकि उनके नजदीक वक्फ जो है वो बंदे की मिल्कियत को साकित करना है, फयसीरु खालिसन लिल्लाहि तआला, तो फिर ये खालिस अल्लाह के लिए हो जाता है, बिसुकूति हक्किल अब्दी, बंदे के हक के साकित होने की वजह से। वक्फ के अंदर जब बंदा जुबान से कह दे मैंने ये वक्फ कर दिया है, तो उसके कहते ही उस बंदे की मिल्कियत खत्म हो जाती है और वो वक्फ खालिस अल्लाह के लिए हो जाता है। तो यहां मस्जिद में भी इसी तरह होगा, सिर्फ जुबान से कहने से ही वो मस्जिद हो जाएगी। तो कहते हैं फयसीरु खालिसन लिल्लाहि तआला, तो वो वक्त फिर खालिस अल्लाह के लिए हो जाता है, बिसुकूति हक्किल अब्दी, बंदे के हक के साकित हो जाने की वजह से, वसार कल एताकी, और ये एताक की तरह हो गया, ये वक्फ जो है एताक की तरह हो गया, जैसे एताक के अंदर आका अपनी मिल्कियत गुलाम से साकित करता है, इसी तरह वक्फ में भी वक्फ पर से अपनी मिल्कियत वो साकित करता है। तो कहते हैं वसार कल एताकी, और ये वक्फ जो है एताक की तरह हो गया, वकद बैयन्ना हु मिन कब्लु, और तहकीक ये बात हम पहले बयान कर चुके हैं कि ये वक्फ एताक की तरह है। भाई आगे देखिए, काल वमन जअल मस्जिदन तहतहु सिरदाबुन औ फौकहु बैत, यहां से साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि अगर किसी ने ऐसी मस्जिद वक्फ की है कि उसके ऊपर जो है वो बंदों का हक है, या उस मस्जिद के नीचे बंदों का हक है। आपको मैंने बतलाया कि मस्जिद से बंदों का हक मुनकतिअ हो जाता है, वो इस मस्जिद को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ये सिर्फ इबादत के लिए है। तो मस्जिद में बंदों का हक हर एतबार से मुनकतिअ होना चाहिए। लेकिन एक शख्स ने एक मस्जिद वक्फ की है और उस मस्जिद के नीचे एक तहखाना है और वह तहखाना उसी शख्स की मिल्कियत में है, वह उसको अपने काम में लाता है, अपनी चीजें वगैरह उसमें रखता है या किराए पर देता है, या मस्जिद के ऊपर एक कमरा है और वो कमरा जो है वो लोगों को किराए पर दिया जाता है, अगरचे उसकी आमदनी फिर मस्जिद पर ही खर्च की जाती है, लेकिन बहरहाल लोगों का हक तो उससे मुनकते नहीं है, लोग उससे नफा तो उठा रहे हैं। तो क्या इस सूरत में भी ये मस्जिद हो जाएगी या नहीं? जिसके ऊपर वाली मंजिल से बंदों का हक वाबस्ता हो, या जिसके तहखाने के साथ बंदों का हक वाबस्ता हो, तो क्या ऐसी मस्जिद वक्फ की जाए तो वो मस्जिद हो जाएगी या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, मस्जिद से वाकिफ की मिल्कियत का खत्म होना और बंदों के हक का मुनकते होना जरूरी है, लिहाजा यह मस्जिद उसने अगरचे मस्जिद बना दी है लेकिन यह मस्जिद हुई नहीं। यह उस वक्फ करने वाले के लिए बेचना भी जायज है और हिबा करना भी जायज है और इसके अंदर उसकी वरासत भी जारी होगी, यह मस्जिद नहीं है। बात समझ में आ गई।
तो कहते हैं काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, वह मन जाला मस्जिदन, और जिसने ऐसी मस्जिद बनाई, तहतहु सिरदाबुन, कि जिसके नीचे तहखाना है। सिरदाब, सिरदाब किसे कहते हैं? तहखाने को। तो कहते हैं वमन जाला मस्जिदन, कि जिसने ऐसी मस्जिद बनाई, तहतहु सिरदाबुन, कि उसके नीचे तहखाना है, औ फौकहु बैतुन, या ऐसी मस्जिद बनाई कि उसके ऊपर एक कमरा है, व जाला बाब अल मस्जिद इलत तरीकी, और उसने मस्जिद का दरवाजा रास्ते की तरफ कर दिया। यानी मस्जिद के लिए रास्ता भी मौजूद है, ऊपर बतलाया था मस्जिद के लिए रास्ता होना चाहिए भाई, ताकि लोग उसमें आ सकें, इसने भी रास्ते की तरफ दरवाजा खोल दिया, तो मस्जिद के लिए रास्ता भी है, लेकिन फिर भी यह मस्जिद नहीं होगी, क्योंकि लोगों का हक इससे मुनकतिअ नहीं है भाई। तो कहते हैं वजह अलबा बल मस्जिदी इलत तरीके, और उसने मस्जिद का दरवाजा भी रास्ते की तरफ बना दिया, व आजला हु अम मिल्की ही, और इस मस्जिद को उसने अपनी मिल्कियत से जुदा भी कर दिया। हमने भी बताया था कि वाकिफ मस्जिद को अपनी मिल्कियत से जुदा कर दे, तो सारी चीजें यहां पूरी हैं, सिर्फ मस्जिद के ऊपर वाली मंजिल या तहखाने के साथ लोगों का हक वाबस्ता है। तो कहते हैं वह आजला हु अम मिल्की ही, और इस मस्जिद को उसने अपनी मिल्कियत से जुदा कर दिया, फलहू अबीआहू, तो इस शख्स के लिए उस मस्जिद को बेचना जायज है, जायज है, यानी अभी भी यह मस्जिद नहीं बनी। तो कहते हैं फलहू अबीआहू, तो उस शख्स के लिए इस मस्जिद को बेचना जायज है, वह इम्मा तयू रसुआनहू, और अगर यह शख्स मर गया तो यह मस्जिद उसे मौरूस होगी, यानी इसमें उसकी वरासत जारी होगी, लिअन्नहू लम यखलुस लिल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि यह मस्जिद जो है खालिस अल्लाह के लिए नहीं हुई, लिबका हकिल अब्दी मुतअल्लिकम बिही, इस वजह से कि बंदे का हक अभी भी बाकी है इससे मुतअल्लिक होकर, वलौ काना सिरदाबु लिमसा मस्जिद इजाजा, हां अगर मस्जिद के नीचे तहखाना तो है, लेकिन वो मस्जिद के काम के लिए ही बनाया गया है, मस्जिद की चीजें ही उसके अंदर रखी जाती हैं, या मस्जिद के ऊपर एक कमरा तो है लेकिन उसमें मस्जिद ही की चीजें रखी जाती हैं, उसको किराए वगैरह पर नहीं दिया जाता, तो फिर यह सूरत जायज है, यह मस्जिद हो गई भाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि अब मस्जिद के ऊपर वाली मंजिल या नीचे वाली मंजिल के साथ लोगों का हक वाबस्ता नहीं है, वो ऊपर या नीचे वाली मंजिल भी मस्जिद ही के काम में आती है भाई। तो कहते हैं वलौ काना सिरदाब लि मसालिहिल मस्जिदी, और अगर वो तहखाना मस्जिद की मसलहतों के लिए था, जाजा, तो फिर ये जायज है, कमाफी मस्जिदी बैतुल मुकद्दसी, जैसे कि बैतुल मुकद्दस की मस्जिद में है, बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के नीचे कहते हैं तहखाना मौजूद है, और वो किसी का ममलूका नहीं, वो मस्जिद ही का हिस्सा है भाई, तवज्जो है। तो जैसे बैतुल मुकद्दस के अंदर नीचे तहखाना मौजूद है, लोगों का हक उससे वाबस्ता नहीं, और वो मस्जिद है, तो इसी तरह आम मस्जिद के अंदर भी इसी तरह होगा भाई। तो कहते हैं कमाफी मस्जिदी बैतुल मुकद्दसी, जैसे कि बैतुल मुकद्दस की मस्जिद में है, याद रखो ये जो लफ्ज आया बैतुल मुकद्दस, इसको बैतुल मुकद्दस पढ़ना भी सही और बैतुल मकदिस पढ़ना भी सही है, बैतुल मकदिस पढ़ना भी सही है भाई। तो कहते हैं कमाफी मस्जिद बैतुल मकदिसी, जैसे कि बैतुल मकदिस की मस्जिद में, व रवल हसन अनहू, और हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला ने रिवायत किया है, अनहू इमाम साहिब से, अन्नहू काला, के वो फरमाते हैं, इदा जाला सिफला मस्जिदन, सिफल और सुफल भाई, सीन के कसरा और जम्मा दोनों के साथ ये अरबी में इस्तेमाल होता है, सिफल और सुफल भाई, ये किसी चीज के निचले हिस्से को कहते हैं, यानी निचली मंजिल भाई, और इसके मुकाबले में उल्वन आता है, उल्वन भी इसी तरह है, आयन के जम्मा के साथ भी सही और आयन के कसरा के साथ भी, उल्वन और इल्वन, और वो किसी चीज के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। तो हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं इमाम साहिब से कि अन्नहु काला, कि इमाम साहिब ने फरमाया, इदा जाला सिफला मस्जिदन, कि जब किसी शख्स ने निचली मंजिल को मस्जिद बना दिया, व अला ज़हरिही मस्कनुन, और उस मस्जिद की पुश्त पर रिहाइश है, निचली मंजिल मस्जिद है और ऊपर किसी की रिहाइश है, तो कहते हैं वाला जहरी ही मस्कनुन, और उस मस्जिद के पुष्ट पर यानी उसके ऊपर जो है रिहाइश है, फ हुआ मस्जिदुन, तो ये मस्जिद है,
तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह मस्जिद है, अगरचे उसके ऊपर रिहाइश है फिर भी ये शरई मस्जिद ही है। तो कहते हैं लिअन अल मसाजिद मिम्मा यतअब्बदु, इमाम साहब की दलील जिक्र फरमा रहे हैं। इमाम साहब फरमाते हैं नीचे मस्जिद हो तो यह ठीक है, लेकिन अगर नीचे रिहाइश है और मस्जिद ऊपर है यह ठीक नहीं। वजह यह कि नीचे जो है निचला हिस्सा तो जमीन पर है और जमीन तो मुअब्बद होती है, तो निचला हिस्सा मुअब्बद है हमेशा के लिए है और वक्फ भी मुअब्बद होना चाहिए, लिहाजा मस्जिद नीचे हो तो यह जायज है। लेकिन अगर मस्जिद ऊपर है और नीचे रिहाइश है फिर ऊपर वाला हिस्सा तो मुअब्बद नहीं है, लिहाजा यह मस्जिद नहीं है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इसके बरअक्स फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मस्जिद जो है उसकी ताजीम की जाती है, उसकी ताजीम तकाजा करती है, ऊपर मस्जिद हो तो जायज होनी चाहिए और नीचे मस्जिद हो तो जायज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे मस्जिद है तो फिर तो उसकी ताजीम नहीं है भाई। तो कहते हैं लि अन अल मस्जिद मिम्मा यतअब्बदु, इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है वो उन चीजों में से है जो मुअब्बद रहती हैं। वदालिका यतहक्कु फिस्सिफ्लि दूनल इल्वी, और ये मुअब्बद होना ये तो निचली मंजिल में हो सकता है ना कि ऊपर वाली मंजिल में। वअन मुहम्मदिन रहमहुल्लाहु तआला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है अला अक्सी हाजा, इसके बरअक्स भाई, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से इसके बरअक्स रिवायत है। लिअन अल मस्जिद मुअज्जमुन, वो फरमाते हैं क्योंकि मस्जिद जो है वो मुअज्जम होती है, वो काबिल ताजीम होती है। वह इदा का नफा कहू मस्कनुन और मुस्तगल्लुन, और अगर उस मस्जिद के ऊपर रिहाइश गाह है, मस्कन रिहाइश की जगह, वह इदा का नफा कहू मस्कनुन, और अगर उस मस्जिद के ऊपर रिहाइश की जगह है, औ मुस्तगल्लुन, मुस्तगल्लुन गल्ला से है और गल्ला आ पड़ चुके हैं आमदनी को कहते हैं, और अगर मस्जिद के ऊपर मुस्तगल है यानी आमदनी की जगह है, मुस्तगल्लुन भाई ये ज़र्फ का सीगा है, ये ज़र्फ का सीगा है। आप पढ़ चुके हैं कि मजीद फी के अबवाब के अंदर जो इसमें मफ़ऊल का सीगा होता है वही ज़र्फ का भी सीगा होता है, और उसी वजन पर मस्तरे मीमी भी अमूमन आता है भाई। तो यहां ये इसमें ज़र्फ का सीगा है। तो मस्जिद के ऊपर मुस्तगल है यानी आमदनी की जगह है, यानी उसको किराए पर दिया गया है, अगरचे वो किराया भी मस्जिद ही पर लगता है, अगरचे वो किराया मस्जिद पर ही लगता है, लेकिन फिर भी लोगों का हक तो वाबस्ता है, लोग उससे नफा तो उठाते हैं और मस्जिद से तो नफा उठाना सही नहीं है भाई। तो कहते हैं वईदा का नफा कहूं मस्कनुन और मुस्तगल्लुन, और अगर मस्जिद के ऊपर रिहाइश की जगह है या आमदनी की जगह है तो यह ताज़रु ताज़ीमुहु, तो इस सूरत में तो मस्जिद की ताजीम मुमकिन न रहेगी, लिहाजा यह मस्जिद नहीं है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। वअन अबी यूसुफ रहम, अब दो और अकवाल जिक्र करेंगे इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के। पीछे इन्होंने बता दिया कि मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, न इसके ऊपर वाली मंजिल के साथ लोगों का हक वाबस्ता हो न उसके नीचे वाली मंजिल के साथ लोगों का हक वाबस्ता हो। लेकिन अब आपको बताएंगे कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह बगदाद तशरीफ ले गए, बगदाद तो पुराना शहर था भाई, तो उसके अंदर तो लोगों के छोटे छोटे मकान थे, तंग गलियां थी और उसके अंदर तो इतनी जगह ही नहीं होती थी कि बाकायदा अलग से मस्जिद के लिए कोई जगह वक्फ की जाए। तो वहां उन्होंने फिर इजाजत दे दी कि सिर्फ निचली मंजिल को कोई मस्जिद बनाता है या सिर्फ ऊपर वाली मंजिल को कोई मस्जिद बनाता है तो यह जायज है। मालूम हुआ उन्होंने जरूरत की वजह से इजाजत दी, तो जरूरत की वजह से सिर्फ निचली या सिर्फ ऊपर वाली मंजिल को मस्जिद बनाना भी जायज है। इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह शहरे रै के अंदर तशरीफ ले गए। रै यह एक शहर है ईरान के अंदर भाई, इसका जिक्र पिछले सबक में भी गुजरा था भाई। इस रै के रहने वाले को राजी कहते हैं। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह शहरे रै के अंदर तशरीफ ले गए थे, वहां भी इसी तरह था कि वो तंग गलियां थी, छोटे छोटे लोगों के मकानात थे, तो वहां उन्होंने भी जरूरत की वजह से इजाजत दी कि सिर्फ नीचे वाले हिस्से को मस्जिद बनाया जाए या सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को मस्जिद बनाया जाए तो यह जायज है भाई। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से रिवायत है अन्नहु जव्वज़ा फिल वजहैनी, कि उन्होंने जायज करार दिया है दोनों सूरतों में, यानी चाहे मस्जिद के निचले हिस्से में लोगों का हक वाबस्ता है, चाहे मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से से लोगों का हक वाबस्ता है, दोनों सूरतों में उसका मस्जिद बनाना
उसका मस्जिद होना जायज है। तो कहते हैं इमाम अबू यूसुफ रमला से रिवायत है अन्नहु जव्वज़ा फिल वजहैनी कि उन्होंने दोनों सूरतों में इसको जायज करार दिया। हीन कदिमा बगदाद जिस वक्त वो बगदाद तशरीफ लाए वरआ ज़िक़ल मनाज़िली और उन्होंने घरों की तंगी को देखा, उन लोगों के घरों की तंगी को देखा कि छोटे छोटे घर हैं। फकअन्नहु अतबरा जरूरता तो गोया उन्होंने जरूरत का एतबार किया कि जरूरत की वजह से इस तरह की मस्जिद भी जायज है भाई। वअन मुहम्मदिन रहिमहुल्ला और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है अन्नहु हीन दखल अर्रैया कि जिस वक्त वो शहर रै के अंदर दाखिल हुए अजाज हजालिका कुल लहू तो उन्होंने भी इस सब की इजाजत दे दी। लिमा कुल ना उस वजह से जो हमने कहा कि यह जरूरत की वजह से है। क्या शान है इन फुकहाए किराम की भाई, क्या शान है भाई। हदीस और कुरान से मसाइल अखज करके लोगों को बतलाए और सैकड़ों साल गुजर गए, हजार से भी ज्यादा साल गुजर गए, लोग इनके बतलाए हुए मसाइल पर अमल कर रहे हैं। कितने अजर सवाब के समुंदर इनके लिए चल रहे होंगे जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप एक आदमी को एक नेकी बताते हैं और उस पर अमल कर ले तो आप बड़े खुश होते हैं कि मुझे भी अजर मिल रहा होगा। और यहां यहां तो मामला ही बड़ा अजीब है, इंसान तसव्वुर करता है तो हैरान रह जाता है कितने समुंदर के समुंदर सवाब के चल रहे हैं और हजार से भी ज्यादा साल हो गए ये उनके नामे आमाल में जमा हो रहे हैं, तो उनका क्या मकाम होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते भाई। तो अफसोस होता है उन लोगों पर जो इन फुकहा पर तनकीद करते हैं भाई। बात समझ में आ गई, इन फुकहा का मकाम बहुत ऊंचा है भाई। आगे देखिए قال وكذلك ان اتخذ وسطاره مسجدا واذن للناس بالدخول فيه कहते हैं यह मसला भी इसी तरह है भाई। पिछले मतन में आया था कि अगर किसी ने मस्जिद बनाई और उसके नीचे तहखाना है या मस्जिद बनाई और उसके ऊपर एक कमरा है और मस्जिद को उसने अपनी मिल्कियत से भी अलग कर दिया है, उसको रास्ता भी दे दिया है, फिर भी यह मस्जिद नहीं हुई, फिर भी ये मस्जिद नहीं हुई, इसके लिए बेचना भी जायज और इसमें उसकी विरासत भी जारी होगी। ये अगला मसला भी इसी तरह है, यानी इसमें बतलाएंगे एक शख्स ने अपने घर के बीच में मस्जिद बना ली, घर के अंदर ही किसी जगह मस्जिद बनाई लेकिन उस मस्जिद के चारों तरफ उसकी मिल्कियत मौजूद है और फिर उसने लोगों को इसमें आने की इजाजत भी दे दी, फिर भी इमाम साहब फरमाते हैं यह मस्जिद नहीं हुई, इसलिए क्योंकि मस्जिद को अपनी मिल्कियत से अलग करना जरूरी है ताकि कोई लोगों को उसमें आने से न रोक सके। लेकिन यह मस्जिद तो उसके घर के अंदर है, यह तो लोगों को यहां आने से किसी भी वक्त रोक सकता है, लिहाजा यह मस्जिद नहीं है भाई। तो कहते हैं قال इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वकदालिका इनितखदा वस्तदारिही मस्जिदन और इसी तरह है मसला, यानी मस्जिद नहीं होगी। इनितखदा वस्तदारिही मस्जिदन अगर किसी शख्स ने अपने घर के बीच में मस्जिद बना ली व अज़िना लिन्नासि बिद्दुखूलि फीही और लोगों को उसमें दाखिल होने की इजाजत दी कि वो इसमें आकर नमाज पढ़ सकते हैं तो भी यह मसला इसी तरह है, यानी वो मस्जिद नहीं हुई। तो अब वही साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि यह मसला भी उसी की तरह है, यानी लहू अयबी आहू यानी इसके लिए जायज है उसको बेचना, वयू रसु अनहू और नीज ये मस्जिद इसमें इसकी वरासत भी जारी होगी। लि अनल मस्जिद मालायकून उली अहदिन फी ही हकुल मनई कहते हैं लि अनल मस्जिद इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है मालायकून उली अहदिन फी ही हकुल मनई कि उसके अंदर किसी को भी मना का हक ना हो। मस्जिद वो होती है जिसमें किसी को भी मना का हक ना हो, कोई लोगों को रोक ना सके। तो कहते हैं ली अन्नल मस्जिद माला यकून ली अहदिन फी ही हकुल मनई इसलिए क्योंकि मस्जिद वो होती है कि किसी को भी उसे मना करने का हक ना हो। व इदा का न मिल्कुहु मुहीतम भी जवानी भी ही और जब इस वाकिफ की मिल्कियत जो है उसने इहाता किया हुआ है इस मस्जिद की जानिबों का, जब इस वाकिफ की मिल्कियत ने मस्जिद की जानिबों का इहाता किया हुआ है, हर तरफ उस वाकिफ की मिल्कियत मौजूद है तो ये तो लोगों को किसी भी वक्त मना कर सकता है। तो कहते हैं वह इदा का न मिल्कुहु मुहीतम भी जवानी भी ही और जब इस शख्स की मिल्कियत ने उस मस्जिद की जानिबों का इहाता किया हुआ है कान लहू हकुल मनई तो इसके लिए तो मना का हक है फलम यसिर मस्जिदन तो यह मस्जिद नहीं हुई। लिअन्नहु अबका तरीक़ लिनफ्सिही इसलिए क्योंकि यह रास्ता इसने अपने लिए बाकी रखा है,
इसने तो रास्ता भी लोगों के लिए छोड़ा था, कहते हैं नहीं ये रास्ता भी अपने लिए ही छोड़ा है भाई, क्योंकि ये उसके घर का रास्ता है भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्नहु अबकत तरीका लिनफ्सिही, इसलिए क्योंकि उसने ये रास्ता अपने लिए छोड़ा है। फलम यखलुस लिल्लाह तआला, तो ये मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए न हुई। आगे देखिए वअन मुहम्मदिन रहमहुल्ला, अब इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के बारे में बतलाएंगे कि वो फरमाते हैं ये मस्जिद हो गई। एक शख्स ने अपने घर के बीच में मस्जिद बनाई और लोगों को आने की इजाजत दी, इमाम साहब के नजदीक ये मस्जिद नहीं है जबकि साहिबैन के नजदीक ये मस्जिद है भाई। तो कहते हैं वान मुहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है अन्नहु ला युबाउ, कि इसको बेचा नहीं जा सकता, यानी ये मस्जिद हो गई है। तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है अन्नहु ला युबाउ, कि इसको बेचा नहीं जा सकता। वला यू रसू, और इसमें वरासत जारी नहीं हो सकती। वला यू हबू, और इसको हिबा नहीं किया जा सकता। आगे शरा शुरू हो रही है। ए अता बारहु मस्जिदन, साहिब हिदाया बतलाना चाहते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने इसको मस्जिद एतबार किया है, उन्होंने इसको मस्जिद शुमार किया है, इसीलिए मतन में आया कि वो फरमाते हैं ना इसको बेचा जा सकता है, ना हिबा किया जा सकता है, और ना इसमें वरासत जारी होगी। मालूम हुआ उन्होंने इसको मस्जिद शुमार किया है भाई, ये माना है। ए अतबारहू मस्जिदन, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने इसको मस्जिद एतबार किया है। वहा कदा अन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और इसी तरह रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से भी कि अन्नहु यसीरु मस्जिदन, कि ये मस्जिद हो गई। लि अन्नहु लम्मा रज़िया बिकौनिही मस्जिदन, इसलिए क्योंकि जब वो वक्फ करने वाला इसके मस्जिद होने पर राजी है। वला यसीरु मस्जिदन इल्ला बित्तरीकी, और मस्जिद नहीं हो सकती मगर रास्ते के साथ। भाई इमाम साहब फरमाते थे कि जो रास्ता भी इसने छोड़ा है इस मस्जिद के लिए, ये तो इसने अपने लिए छोड़ा है, यही इसके घर का रास्ता है भाई। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये मस्जिद हो गई, और ये मस्जिद जो है वो तो बगैर रास्ते के नहीं हो सकती, तो रास्ता खुद ब खुद मस्जिद के साथ लाजिम हो जाएगा, रास्ता खुद ब खुद साबित हो जाएगा। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स किसी से किराए पर मकान लेता है, तो उसने सिर्फ मकान किराए पर लिया है, रास्ते की कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके लिए रास्ता साबित होगा, क्योंकि बगैर रास्ते के तो वो उसमें रिहाइश नहीं रख सकता भाई। तो इसी तरह बगैर रास्ते के तो लोग मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते, लिहाजा अपने घर के अंदर इसने बेशक मस्जिद बनाई है, लेकिन मस्जिद के साथ रास्ता भी साबित हो जाएगा, यानी वो भी इसी के साथ लाजिम हो जाएगा। तो साहिबैन फरमाते हैं लिअन्नहु लम्मा रज़िया बिकौनिही मस्जिदन, इसलिए क्योंकि वो शख्स जब इसके मस्जिद होने पर राजी है। वला यसीरु मस्जिदन इल्ला बित्तरीकी, और मस्जिद तो नहीं हो सकती मगर रास्ते के साथ ही। दखल फीहि तरीकु, तो इसके अंदर रास्ता भी दाखिल हो जाएगा। वस्सारा मुस्तहक्कन, और यह रास्ता भी लाजिम हो जाएगा, वो ये रास्ता भी लाजिम हो जाएगा। कमा यदखुलु फिल इजारति मिन गैर जिक्रिन, जैसे कि रास्ता इजारे के अंदर दाखिल हो जाता है बगैर जिक्र के। किसी से कोई घर किराए पर लिया तो रास्ता जिक्र ना करे, फिर भी रास्ता साबित हो जाता है, उसके साथ लाजिम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये जो अपने घर में मस्जिद बनाई, इसके अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम साहिब के नजदीक ये मस्जिद नहीं हुई जबकि साहिबैन के नजदीक ये मस्जिद हो गई। लेकिन ये याद रखना, इसके बारे में तरफेन से एक एक रिवायत और भी है। इमाम साहिब से एक रिवायत है कि यह मस्जिद हो गई, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से एक रिवायत है कि यह मस्जिद नहीं हुई। तो दोनों रिवायतें हैं तरफेन से इस बारे में भाई। आगे देखिए काला वमनी तखदा अर्ज़हू मस्जिदन, अब यहां से यह बतला रहे हैं कि जिसने अपनी जमीन मस्जिद बना दी तो अब वो उसमें रुजू नहीं कर सकता, वो उसके कब्जे से निकल गई। आम वक्फ के अंदर इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक मुतवल्ली का कब्जा जरूरी है, लेकिन मस्जिद के बारे में वो भी फरमाते हैं किसी का कब्जा जरूरी नहीं। जब इसको अपनी मिल्कियत से अलग कर दिया, लोगों को रास्ता दे दिया और एक शख्स ने भी नमाज पढ़ ली, तो यह मस्जिद हो गई, उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गई। ना वो इसमें रुजू कर सकता है और ना इसको बेच सकता है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक भी वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता जब तक हाकिम फैसला ना कर दे, लेकिन मस्जिद के मामले में वो भी फरमाते हैं कि जब एक जगह मस्जिद हो गई तो अब इस वाकिफ की मिल्कियत से ये निकल गई, अब इसके अंदर वो रुजू नहीं कर सकता, अब वो इसे बेच नहीं सकता।
तो कहते हैं काला वमन तखद अर्जहू मस्जिदन, और जिस शख्स ने अपनी जमीन को मस्जिद बना दिया, लम यकुन लहू अयर जफी ही, तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो इसमें रुजू करे, वला यबी अहू, और ना वो इसको बेच सकता है, वला यू रसुआन हो, और ना ये उससे मौरूस होगा, यानी इसके अंदर उसकी वरासत भी जारी नहीं हो सकती, ले अनहू यू हरजू अन हक इबादी, इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है उसको बंदों के हक से महफूज किया जाता है, बंदों के हक से इसकी हिफाजत की जाती है, इसमें बंदों का हक नहीं होता भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु युहरजु अन हक़िल इबादी, इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है इसको लोगों के हक से महफूज किया जाता है, वसार खालिसन लिल्लाही, और यह मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए हो गई, वहाजा, और ये इसलिए खालिस अल्लाह के लिए हो गई। अब उसकी वजाहत फरमा रहे हैं, कहते हैं वहादा, और ये इसलिए है, लिअन्नल अशिया अकुल्लहा लिल्लाही तआला, इसलिए क्योंकि चीजें तो सारी अल्लाह की हैं, सारी की सारी चीजें अल्लाह की हैं, वह इदा असकतल अब्दू, और जब बंदा साकित कर दे, मा सबता मिनल हकी, अपने उस हक को जो साबित है उसमें, जब उस चीज के अंदर जो बंदे का हक है, बंदा जब उसको साकित कर दे, तो रजा इला असली ही, तो वो चीज फिर अपनी असल की तरफ लौट जाएगी, यानी अल्लाह की मिल्कियत की तरफ लौट जाएगी भाई, तो वो चीज फिर अपनी असल की तरफ लौट जाएगी, फन कता तसरुफ अनहु, तो लिहाजा उस बंदे का तसरुफ उससे मुनकते हो जाएगा, अब वो इसमें कोई तसरुफ नहीं कर सकता, वो रुजू नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, हिबा नहीं कर सकता, वरासत इसमें जारी नहीं हो सकती। तो ये माना है फन कता तसरुफ अनहु, तो इसका तसरुफ इससे मुनकते हो गया, कमा फिल एताकी, जैसे कि एताक में है, गुलाम को आजाद करने में है, आका जब गुलाम को आजाद कर दे तो आका का उसे हक साकित हो गया, अब आका उसमें कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। आगे देखिए वलौ खरीबा माहौल मस्जिदी, यहां से बतला रहे हैं अगर किसी शख्स ने कोई मस्जिद वक्फ की थी लेकिन फिर वो आबादी खत्म हो गई, वो जगह वीराना बन गई, तो क्या ये मस्जिद अब भी मस्जिद ही के हुक्म में है? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इस मस्जिद को बनाया गया था नमाज के लिए, और जब इस मस्जिद में मकसद हासिल नहीं हो रहा, अब नमाजें इसमें नहीं पढ़ी जा रही, तो ये मस्जिद दोबारा उस वाकिफ की मिल्कियत में लौट आएगी, वो दोबारा इसका मालिक बन जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, एक जगह को जब मस्जिद बना दिया तो अब वो हमेशा के लिए मस्जिद है, चाहे वहां आबादी खत्म हो जाए, वो जगह वीराना बन जाए, फिर भी वो जो मस्जिद है वो खालिस अल्लाह का हक है, वो वाकिफ की मिल्कियत में वापस नहीं लौटती, वो वाकिफ की मिल्कियत में वापस नहीं लौटती। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मस्जिद को कियास करते हैं खाना काबा पर, बैतुल्लाह पर, और बैतुल्लाह जो है देखो उसे अल्लाह की इबादत के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम तक सैकड़ों साल का यह जमाना जिसके अंदर कोई नबी नहीं आया, इसको जमाना फतरत कहते हैं, और इस जमाना फतरत के अंदर देखो वहां मक्का के लोगों ने खाना काबा के अंदर बुत वगैरह रख दिए भाई, बुत वगैरह रख दिए, और अल्लाह की इबादत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो फिर उसी तरह बैतुल्लाह को इबादत की जगह करार दिया गया। मालूम हुआ एक मरतबा जब मस्जिद बना दी जाए, फिर चाहे वो वीराना ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो हमेशा मस्जिद ही के हुक्म में है भाई। तो कहते हैं वलौ खरीबा माहौल मस्जिदी, वलौ खरीबा, याद रखो खरीबा यखरबू का एक माना होता है वीरान हो जाना, और खरीबा या खरबू का एक माना होता है बर्बाद हो जाना, गिर जाना, कोई इमारत गिर जाए तो उसके लिए भी खरीबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और कहीं आबादी खत्म हो जाए, वीराना हो जाए, उसके लिए भी खरीबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो यहां ये वीराने के माना में है। तो कहते हैं वलौ खरीबा मा हौल अल मस्जिदी, और अगर मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो वीराना हो गया, वस्तुगनिया अनहु, और उस मस्जिद से बेनियाजी हो गई, अब उसमें कोई नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है, तो यबका मस्जिदन इंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, तो ये फिर भी मस्जिद होकर ही बाकी रहेगी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, उनके नजदीक अभी भी मस्जिद रहेगी, इसलिए क्योंकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मस्जिद के मस्जिद होने के लिए इब्तिदा में नमाज की शर्त नहीं लगाते, वो फरमाते हैं बस जुबान से कह दिए तो मस्जिद हो गई,
तरफेन के नजदीक तो कोई उसमें नमाज आकर पड़ेगा फिर मस्जिद होगी, वैसे मस्जिद नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इब्तिदा के अंदर भी किसी नमाज की शर्त नहीं लगाते तो इंतहा में भी वो किसी नमाज की शर्त नहीं लगाते कि नमाज पढ़ी जाएगी तो मस्जिद है, नहीं पढ़ी जाएगी तो मस्जिद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए यह मस्जिद ही है भाई। तो कहते हैं ये मस्जिद होकर बाकी रहेगी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, लिअन्नहु इस्कातुम मिन्हु, इसलिए क्योंकि ये उस वाकिफ की तरफ से इस्कात है, उसने अपनी मिल्कियत इस पर से साकित कर दी है। फला यऊदु इला मिल्किही, लिहाजा ये मस्जिद फिर उसकी मिल्कियत में वापस नहीं लौटेगी। वइंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, यऊदु इलल मिल्किल बानी, कि यह मस्जिद फिर लौट जाएगी उस बनाने वाले की मिल्कियत की तरफ। बानी भाई, बना यबनी का माना है बनाना, तामीर करना, बानी तामीर करने वाला। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं यऊदु इला मिल्किल बानी, कि ये मस्जिद उस मस्जिद तामीर करने वाले की मिल्कियत की तरफ लौट जाएगी। औ इला वारिसी ही बादा मौती ही, या उसके वारिस की तरफ लौट जाएगी उसके मरने के बाद। अगर तामीर करने वाला मर चुका है तो फिर उसके वारिस की मिल्कियत में दाखिल हो जाएगी। लिअन्नहु अय्यनहु लिनौइ कुर्बतिन, इसलिए क्योंकि बनाने वाले ने इस मस्जिद को मुअय्यन किया था, लिनौइ कुर्बतिन, एक खास किस्म की कुर्बत के लिए, कि इसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, और किस तरीके पर, नमाज के जरिए। तो कहते हैं लिअन्नहु अय्यनहु लिनौइ कुर्बतिन, इसलिए क्योंकि उस बनाने वाले ने इस मस्जिद को मुतय्यन किया था एक खास किस्म की कुर्बत के लिए, एक खास किस्म की इबादत यानी नमाज के लिए। वक़दिन क़ताअत, और वो कुर्बत तो मुनक़ते हो गई, वो इबादत तो खत्म हो गई, यहां आबादी ही अब नहीं है। तो फसारा का हसीर इल मस्जिद औ हशीशी ही, हसीर भाई, हसीर चटाई को कहते हैं, वो जो मस्जिद के अंदर नीचे बिछाई जाती है नमाज पढ़ने के लिए। औ हशीश भाई, हशीश घास को कहते हैं। याद रखो बाज इलाकों के अंदर ये मस्जिद के अंदर चटाई वगैरह नहीं बिछाते, बल्कि उस खास घास होती है उसको मस्जिद के अंदर जमीन पर बिछा दिया जाता है भाई, तो वो चटाई की तरह बेहतरीन काम करती है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मस्जिद जब इस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाला ना रहा तो ये फिर बनाने वाले की मिल्कियत में लौट जाएगी, जैसे मस्जिद की चटाई और मस्जिद की घास है, कि जब उसकी मस्जिद में जरूरत ना रहे तो ये फिर उसी शख्स की मिल्कियत की तरफ वापस लौट जाती है जिसने वो चटाई या घास रखी थी, वो दोबारा इनका मालिक बन जाता है। तो जिस तरह चटाई और घास का मालिक रखने वाला बन जाता है जब उसकी जरूरत ना रही, इसी तरह मस्जिद के अंदर जब नमाज ही कोई ना रहा तो ये मस्जिद भी दोबारा बनाने वाले की मिल्कियत की तरफ लौट जाएगी। तो कहते हैं फसारा का हसीर इल मस्जिद औ हशीशी ही, तो ये इसी तरह हो गई जैसे मस्जिद की चटाई है और मस्जिद की घास है। इज़ास्तुग़निया अन्हु, जब उनसे बेनियाजी हासिल हो जाए, यानी जब इनकी जरूरत न रहे तो फिर ये चटाई और घास जो है उस रखने वाले की मिल्कियत में लौट जाती हैं। इल्ला अन्ना अबा यूसुफ रहमहुल्लाहु ताला, मगर ये के इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जो हैं, यकूलु फिल हसीर वल हशीशी, वो मस्जिद की चटाई और घास के बारे में फरमाते हैं कि इन्नहु युनकलु इला मस्जिदिन आखरा, कि इनको मुंतकिल किया जाएगा किसी दूसरी मस्जिद में। वो फरमाते हैं जैसे मस्जिद दोबारा वाकिफ की मिल्कियत में नहीं लौटती, इसी तरह ये मस्जिद की चटाई और घास जो है ये भी रखने वाले की मिल्कियत में वापस नहीं लौटती, बल्कि जब इस मस्जिद में इनकी जरूरत न रही तो फिर इनको किसी दूसरी मस्जिद में मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहां इनसे फायदा उठाया जाएगा। तो वो फरमाते हैं मस्जिद की चटाई और घास के बारे में, इन नहु युनकलु इला मस्जिदिन आखरा, कि इसको मुंतकिल किया जाएगा दूसरी मस्जिद की तरफ। आगे देखिए, قال ومن بنا سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة رحمه الله। भाई अब ये इस फसल की दूसरी बहस आ गई, मस्जिद के मसाइल मुकम्मल हुए, आप आम वक्त के मसाइल जिक्र करेंगे और बतलाएंगे कि मस्जिद के अंदर तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है लेकिन आम वक्फ का यह हुकाम नहीं है, तो वह अब बयान फरमाएंगे तीनों आइमा के नजदीक। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमम बना सिकायतन लिल मुस्लिमीना, मैंने आपको बतलाया भाई सिकाया कहते हैं पानी की सबील को जिससे लोग
पानी लें भाई। तो साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमन बना सिकायत लिल मुस्लिमीना, और जिस शख्स ने मुसलमानों के लिए कोई पानी की सबील बनवाई, औखानन या ऐसी सराय बनवाई, यस्कुनुहु बनु सबीली कि उसके अंदर मुसाफिर ठहरते हैं, और रिबातन या किसी ने रिबात बनवाया। याद रखो रिबात के कई मानी आते हैं, रिबात का एक माना है घोड़ों का अस्तबल। इसी तरह रिबात जो है फुकारा की सराय को भी कहते हैं, वो सराय जिसमें फुकारा आकर ठहरते हैं, कोई पैसे वगैरह वहां उनसे नहीं लिए जाते, उसको भी रिबात कहते हैं। और इसी तरह सरहदों के करीब जो है अगर ये घोड़ों के अस्तबल और मुजाहिदीन के रहने के लिए जगह बनाई जाए, यानी सरहदी चौकी जो है उसको भी रिबात कहते हैं, उसको भी रिबात। तो आप यहां जो भी माना मुनासिब समझे कर सकते हैं। तो आप चाहें तो रिबात का माना कर लें फुकारा की सराय, या आप इसका माना कर लें सरहदी चौकी भाई, जहां पर सरहदी मुहाफिजीन ठहरते हैं और अपने घोड़े रखते हैं भाई। तो कहते हैं जिसने कोई पानी की सबील बनाई मुसलमानों के लिए, या ऐसी सराय बनवाई जिसमें मुसाफिर ठहरते हैं, और रिबातन या फुकारा की सराय बनाई, या यूं कहो और रिबातन या सरहदी चौकी बनाई जहां सरहदी मुहाफिज रहते हैं, औ जाला अर्ज़हु मकबरतन या किसी ने अपनी जमीन को कब्रिस्तान बना दिया, तो इन तमाम सूरतों में लम यजुल मिल्कुहु अन ज़ालिका, उस वाकिफ की मिल्कियत इन चीजों से खत्म नहीं होती, हत्ता यहकुम बिहिल हाकिमु, यहां तक कि हाकिम और काजी उसका फैसला कर दे, इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक। तो यह बात पहले जिक्र हो चुकी है, इमाम साहब के नजदीक वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से सिर्फ उस वक्त निकलता है जब काजी फैसला कर दे। बात समझ में आ गए। तो कहते हैं लम यजुल मिल्कुहु अन ज़ालिका, तो वाकिफ की मिल्कियत उस वक्त से खत्म नहीं होगी, हत्ता यहकुम बिहिल हाकिम इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, यहां तक कि काजी उसका फैसला कर दे इमाम साहिब के नजदीक, लिअन्नहु लम यनक़ति' अन हक़िल अब्दी, यह इबारत पे नजर है भाई मेरी किताब में है, लिअन्नहु लम यनक़ति' अन हक़िल अब्दी, याद रखिए यह इबारत सही नहीं है भाई, यह आन की जगह आन हु होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यनकत्या के लिए फाइल चाहिए, ये अन्नहु लम यनकति, इसलिए क्योंकि मुनकत्या नहीं हुआ भाई, क्या मुनकत्या नहीं हुआ, आगे आ रहा है हक्कुल अब्दी, ये फाइल है, बंदे का हक मुनकत्या नहीं हुआ, और दरमियान में आया आन हु उस वक्फ से, इमाम साहब के नजदीक उस वाकिफ का हक वक्फ से मुनकते नहीं हुआ, तो यहां अन की जगह अनहू होना चाहिए भाई, और हिदायत के दीगर नुस्खों में यहां अनहू मौजूद है भाई। तो कहते हैं अन्नहु लम यनकति अन्हु हक्कुल अब्दी, इसलिए क्योंकि उस वक्त से बंदे का हक मुनकते नहीं हुआ, अला तारा क्या आप देखते नहीं हैं, अन्न लहु अन्यंतफ़ बिही कि बंदे के लिए जायज है इससे नफा उठाना, फयस्कुना फिल खानी तो वो रह सकता है उस सराय में, वयन्ज़िला फिर रिबाती और वो क्याम कर सकता है उस रिबात में यानी उस सरहदी चौकी में, वयश्रबा मिनस सिकायती और वो उस पानी सबील से पानी पी सकता है, वह युद्ध फना फिल मकबराती और उसको उस कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है, उसमें दफन किया जा सकता है, मालूम हुआ बंदों का हक उससे अभी भी मुनकतिअ नहीं है भाई। तो कहते हैं फयूश तारा तो हुक्मुल हाकिमी, लिहाजा हाकिम के हुक्म की शर्त लगाई जाएगी, वाकिफ की मिल्कियत खत्म करने के लिए हुक्म हाकिम की शर्त लगाई जाएगी, अविल इजाफतु इला मा बादल मौती या मौत के बाद की तरफ निस्बत की शर्त लगाई जाएगी भाई, जहां किताबुल वक्फ शुरू हुई थी वहां बतलाया था कि इमाम साहिब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से दो सूरतों में खत्म होती है, एक तो यह कि काजी उसका फैसला कर दे और दूसरी यह है कि वाकिफ उस वक्त को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। लेकिन फिर आगे साहिब हिदायत ने बतलाया था कि सही कौल यही है कि सिर्फ काजी के फैसले से वाकिफ की मिल्कियत खत्म होती है, अगर वाकिफ वक्त को अपनी मौत के साथ भी मुअल्लक कर दे फिर भी वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती, हां वो वक्फ लाजिम हो जाता है, उसमें अब रुजू नहीं हो सकता। वैसे आम वक्फ में तो इमाम साहब के नजदीक रुजू हो सकता है, वाकिफ उसे बेच सकता है, लेकिन जब अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर देगा तो फिर वो वक्फ लाजिम हो जाएगा, उसमें अब रुजू नहीं हो सकता। तो बहरहाल बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि जब वाकिफ अपनी मौत के साथ वक्फ को मुअल्लक कर दे तो इमाम साहब के नजदीक मिल्कियत
खत्म हो जाती है। तो ये उसी पर मबनी है, तवज्जो है, ये जो सबक में आया फयुश्तरत हुक्मुल हाकिमी अबिल इजाफतु इला मा बादल मौती, लिहाजा हाकिम का फैसला शर्त होगा या मौत के मा बाद की तरफ निस्बत शर्त होगी। तो ये उस बास फुकहा के कौल पर है, जबकि बतलाया कि सही कौल के मुताबिक वाकिफ अगर अपने मौत के मा बाद की तरफ भी निस्बत कर दे फिर भी वक्फ उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता। तो कहते हैं फयूश तरह तो हुक्मुल हाकिमी, लिहाजा हाकिम का फैसला शर्त होगा अबिल इजाफतु इला मा बादल मौती, या मौत के मा बाद की तरफ निस्बत शर्त होगी, कमा फिल वक्फी अलल फुकाराई, जैसे कि फुकारा पर वक्फ के अंदर है, उसमें भी ये शर्त है, बिखिलाफिल मस्जिदी, बखिलाफ मस्जिद के, लिअन्नहु लम यबका लहू हक्कुल इंतिफाई बिही, इसलिए क्योंकि मस्जिद के अंदर बंदे के लिए कोई नफा उठाने का हक न रहा, वो मस्जिद से किसी किस्म का नफाब नहीं उठा सकता, उसे किराए वगैरह पर नहीं दे सकता, अपने किसी और काम में नहीं ला सकता, अब वो सिर्फ इबादत के लिए है भाई, तो लिहाजा मस्जिद आम वक्फ के बरखिलाफ है, उसमें वाकिफ की मिल्कियत खत्म करने के लिए न हुक्म हाकिम की जरूरत है और न अपने मौत की शर्त की जरूरत है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफिल मस्जिदी, बखिलाफ मस्जिद के, लिअन्नहु लम यबका लहू हक्कुल इंतिफाई बिही, इसलिए क्योंकि वाकिफ के लिए उस मस्जिद से नफा उठाने का हक बाकी न रहा, फखलसा लिल्लाहि तआला, तो वो खालिस अल्लाह के लिए हो गई, मिन गैर हुक्मिल हाकिमी, बगैर किसी हाकिम के फैसले के। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने आपको बतलाया अगर कोई मुसलमानों के लिए पानी की सबील बनाए या सराय बनवाए या सरहदी चौकी बनवाए या अपनी जमीन को कब्रिस्तान करार दे दे तो इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत इस पर से खत्म नहीं होगी। जबकि अब आगे साहिबैन का मजहब जिक्र करेंगे कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ कहने से ही मिल्कियत खत्म हो जाएगी, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जो है सुपुर्द करना और कब्जा शर्त है मुतवल्ली का, और अगर जहां मुतवल्ली नहीं होता तो फिर वहां उसी नौ का कब्जा शर्त होगा भाई। तो कहते हैं वाइंद अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक यजूल मिल्कुहु बिल कौली, के वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है कहने से ही, कमा हुआ असलुहु, जैसे कि उनका जाबता है, इद तस्लीम वाइंदहु लैसा बिशर्तिन, इसलिए क्योंकि मुतवल्ली के सुपुर्द करना यह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त नहीं है, वल वक्फ लाजिमुन, और वक्फ लाजिम है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुतवल्ली के सुपुर्द करना शर्त नहीं, लेकिन वक्फ लाजिम है, जब लाजिम है तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है अगरचे मुतवल्ली के सुपुर्द उसने नहीं किया भाई। तो कहते हैं वल वक्फ लाजिम, और वक्फ जो है लाजिम है यानी उनके नजदीक, वाइंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब आ गया, मैंने बताया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुतवल्ली का कब्जा शर्त है, लेकिन अगर ऐसी चीज है कि उसका मुतवल्ली नहीं होता, आदतन कोई उसका मुतवल्ली नहीं होता, जैसे पानी की सबील बना दी, अब उसका कोई मुतवल्ली नहीं, बस पानी पीने की एक जगह है और वहां से लोग आते हैं और पानी लेकर चले जाते हैं, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनके नजदीक सुपुर्द करना शर्त है, तो हर चीज में सुपुर्द करना उसकी नौ के मुताबिक होगा, तो जिन चीजों का मुतवल्ली होता है उनमें मुतवल्ली के सुपुर्द करना शर्त होगा, और जिन चीजों का मुतवल्ली नहीं होता तो वहां जब उससे एक शख्स भी इस्तेमाल कर लेगा, उस पानी की सबील से एक शख्स भी उससे पानी ले लेगा, तो इस सूरत में वो वक्फ हो जाएगी और वाकिफ का कब्जा उस पर से खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं वाइंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, इदस्तकन नासु मिनस सिकायती, इस्तका का माना है पानी लेना, कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, इदस्तकन नासु मिनस सिकायती, जब लोग पानी ले लें उस पानी की सबील से, वसकनुल खान अवर रिबाता, और इसी तरह लोग जो हैं उस सराय और सरहदी चौकी के अंदर ठहर जाएं, वदफनु फिल मकबराती, और इसी तरह लोग जो हैं कब्रिस्तान के अंदर दफन करें, तो जालल मिल्कु, तो इन तमाम सूरतों में वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी, लिअन्न तस्लीम इंदहू शर्तुन, इसलिए क्योंकि सुपुर्द करना यह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त है, व शर्त तस्लीम नौई ही, और शर्त जो है उसी नौ का सुपुर्द करना होगा, यानी जिस नौ की चीज है उसी नौ का सुपुर्द करना शर्त होगा। तो कहते हैं व शर्त तस्लीम नौई ही, और शर्त जो है उसी नौ का सुपुर्द करना होगा, व दालिका बीमा जकर ना हो, और यह उस चीज के जरिए होगा जो हमने जिक्र कर दिया।
अल्लाह, हर चीज में कब्जा उसी की नौ के मुताबिक होगा, और पानी की सबील जो है उसका तो मुतवल्ली नहीं होता, तो वहां कब्जा उसी तरह होगा कि जब एक आदमी उसे पानी ले लेगा, और सिराए का कोई मुतवल्ली नहीं होता, लिहाजा उसमें जब एक भी आदमी आकर ठहर जाएगा तो गोया लोगों का कब्जा आ गया। या इसी तरह कब्रिस्तान का तो मुतवल्ली नहीं होता, तो वहां एक भी शख्स अपने मुर्दे को दफन कर देगा तो गोया लोगों का कब्जा आ गया, तो यह वक्फ हो जाएगा भाई, वक्फ हो जाएगा क्योंकि आम लोगों का कब्जा पाया गया भाई। तो कहते हैं वदाली का भी मा जकर ना हो, और यह सुपुर्द करना उन चीजों के जरिए होगा जो हमने जिक्र कर दिया। वयुक्तफा बिल वाहिदी, और एक ही पर इक्तफा कर लिया जाएगा, यानी एक ही आदमी यह फेल कर लेगा तो यह काफी होगा भाई। तो कहते हैं वयुक्तफा बिल वाहिदी, और एक पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा कि एक आदमी सराय में रहे, या एक आदमी पानी ले ले, या एक आदमी जो है उसको दफन कर दिया जाए, तो इन तमाम सूरतों में कब्जा पाया गया। तो कहते हैं वयुक्तफा बिल वाहिदी, और एक ही फर्द पर इक्तफा किया जाएगा। लितअअद्दुरी फिअलिल जिन्स कुल्लिही, इसलिए क्योंकि सारी जिन्स का फेल तो मुतअज़्ज़िर है, तमाम इंसान आकर यहां से पानी पिए, या तमाम इंसान आकर इस सराय में ठहरें, या तमाम इंसान अपने मुर्दे इसमें दफन करें, यह तो मुमकिन नहीं है। तो सारी जिन्स का फेल वो मुमकिन नहीं, लिहाजा एक पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वयुक्तफा बिल वाहिदी, और एक फर्द पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा। लितअअद्दुरी फिअलिल जिन्स कुल्लिही, इसलिए क्योंकि सारी जिन्स का फेल तो मुमकिन नहीं है। वअला हादल बिरुल मौकूफतु वल हौज, बिरुन भाई बिर कुएं को कहते हैं, और हौज भाई पानी का तालाब। तो कहते हैं वअला हादल बिरुल मौकूफतु वल हौज, और इसी इख्तिलाफ पर है वो कुआं भी जिसको वक्फ किया जाए, वल हौज और वो तालाब भी, यानी इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होगी जब तक हाकिम फैसला न कर दे, और इमाम अबू यूसुफ रमाला के नजदीक सिर्फ कहने से ही वक्फ हो गया, और इमाम मोहम्मद रमाला के नजदीक जब कोई एक शख्स इससे पानी ले लेगा। तो कहते हैं वाला हादल बिरुल मौकूफतु वल हौजू, और इसी इख्तिलाफ पर है वक्फ किया हुआ कुआं भी, वल हौजू और पानी का तालाब भी। वला सल्लम इलल मुतवल्ली सहत तस्लीम फी हादिहिल वुजूह कुल्लिहा, यहां से यह बतला रहे हैं कि ये जो पानी की सबील है, या सराय है, या कब्रिस्तान है, इनका कोई मुतवल्ली होता तो नहीं, लेकिन अगर किसी को मुतवल्ली बनाकर उसके कब्जे में दे दिया तो क्या इस सूरत में भी वक्फ सही हो जाएगा? या किसी का सबील से पानी लेना, या किसी का सराय में ठहरना, या किसी का कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करना फिर भी शर्त होगा? कहते हैं नहीं, अगर किसी को मुतवल्ली बनाकर उनके कब्जे में ये चीजें दे दे फिर भी कब्जा पाया गया। जब कब्जा पाया गया तो लिहाजा अब ये वक्फ हो गया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भाई। तो कहते हैं वला उसल्लम इलल मुतवल्ली, और अगर मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया, सहत तस्लीम फी हादिहिल वुजूह कुल्लिहा, तो सुपुर्द करना सही है इन तमाम सूरतों में। लिअन्नहु नाइबुन अनिल मौकूफ अलैही, इसलिए क्योंकि मुतवल्ली जो है वो मौकूफ अलैह से नाइब होता है। भाई इधर देखिए, जैद ने पानी की सबील वक्फ की है आम लोगों के लिए, तो जैद है वाकिफ और आम लोग हैं मौकूफ अलैह भाई। तो ये जो मुतवल्ली होता है ये वाकिफ का नाइब नहीं होता, वाकिफ की मिल्कियत से तो चीज निकल गई है, ये मौकूफ अलैह का नाइब होता है, ये जिन पर ये चीज वक्फ की गई है उनकी तरफ से नाइब है, और नाइब का अमल भी इसी तरह है जैसे असल का अमल होता है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु नाइबुन अनिल मौकूफ अलैहि, इसलिए क्योंकि ये जो मुतवल्ली है ये मौकूफ अलैह से नाइब होता है। वफ़िअलुन नाइबी का फ़िअलिल मनूबी अनहु, और नाइब का फेल भी मनूब अनहु के फेल की तरह होता है, यानी नाइब का फेल भी उसकी तरह होता है जिससे इसको नाइब बनाया गया है। तो यहां भी मुतवल्ली का कब्जा आम लोगों के कब्जे की तरह होगा भाई, क्योंकि ये आम लोगों का नाइब है भाई। आगे देखिए वह अम्मा फिल मस्जिद फकद कीला, अब मस्जिद में यही बयान फरमा रहे हैं, पहले बतलाया था कि मस्जिद में कोई एक आदमी भी आकर नमाज पढ़ लेगा तो मस्जिद वक्फ हो जाएगी, मस्जिद वक्फ हो जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स कि मस्जिद का कोई मुतवल्ली बनाकर मस्जिद उसके सुपुर्द कर देगा तो क्या इस सूरत में भी बगैर नमाज पढ़े ही मस्जिद वक्फ हो गई या नहीं? तो कहते हैं बास फुकहा फरमाते हैं नहीं, इस सूरत में अभी भी ये मस्जिद नहीं, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं मस्जिद के लिए भी जब अगर मुतवल्ली बना दिया तो उसके कब्जे में देने से वो मस्जिद हो जाएगी भाई।
तो कहते हैं वह अम माफिल मस्जिदी और बाकी मस्जिद के अंदर फकद कीला, तो तहकीक कहा गया है ला यकून तस्लीमन कि यह सुपुर्द करना नहीं है, मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया जाए तो यह सुपुर्द करना नहीं है, बल्कि जब इसमें कोई एक नमाज पढ़ लेगा फिर यह वक्फ होगी, उससे पहले नहीं भाई। तो कहते हैं बाकी मस्जिद जो है फकद कीला, तो तहकीक उसके बारे में कहा गया है ला यकून तस्लीमा कि यह मुतवल्ली के सुपुर्द करना, यह सुपुर्द करना नहीं है। लिअन्नहु ला तदबीर अलिल मुतवल्ली फीही, इसलिए क्योंकि मस्जिद के अंदर मुतवल्ली की कोई तदबीर नहीं होती, मुतवल्ली के किसी इंतजाम की जरूरत नहीं होती। मैंने बतलाया यह कदीम जमाने में था, आजकल तो अक्सर मस्जिदों के अंदर तदबीर की और इंतजाम की जरूरत पेश आती है। हां बाज देहात में बाज मस्जिदें अभी भी ऐसी ही होंगी जहां किसी मुतवल्ली की जरूरत ना हो, तो उनका यही हुक्म होगा भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु ला तदबीर लिल मुतवल्ली फीही, इसलिए क्योंकि मुतवल्ली जो है उसकी मस्जिद में कोई तदबीर नहीं होती, मुतवल्ली के लिए उसमें किसी इंतजाम वगैरह की जरूरत नहीं होती। वकीला, और कहा गया है यकूनु तस्लीमन कि मस्जिद के अंदर भी मुतवल्ली के सुपुर्द करना, यह सुपुर्द करना ही है और यह नमाज पढ़ने से पहले ही यह मस्जिद हो जाएगी भाई। तो कहते हैं वकील, और कहा गया है यकूनु तस्लीमन के मस्जिद के अंदर भी मुतवल्ली के सुपुर्द करना, यह सुपुर्द करना होगा। लिअन्नहु यहताजु, इसलिए क्योंकि मस्जिद भी मोहताज है इला मन यकनुसुहु व युगलिकु बाबहु, उस शख्स की जो इसके अंदर झाड़ू दे, व युगलिकु बाबहु और इसका दरवाजा बंद करे। कनासा यकनुसु का माना है झाड़ू देना, झाड़ू से सफाई करना भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु यहताजु, इसलिए क्योंकि मस्जिद भी मोहताज है इला मैयक नुसुहु व युगलिकु बाबहु, उस शख्स की जो इसमें झाड़ू दे और इसके दरवाजे को बंद करे। फैदा सल्लम इलैही, तो जब मस्जिद को उस मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया सहत तस्लीम, तो यह सुपुर्द करना सही है और नमाज पढ़ने से पहले ही यह मस्जिद हो जाएगी भाई। वल मकबरतु फी हादा बिमंजिलतिल मस्जिद अला मा कीला, अब भाई कब्रिस्तान का क्या हुक्म है, कब्रिस्तान का भी कोई मुतवल्ली नहीं होता, लेकिन अगर किसी को मुतवल्ली बनाकर वो जमीन उसके सुपुर्द कर दी कि ये कब्रिस्तान है, तो क्या इससे भी वो कब्रिस्तान वक्फ हो जाएगा? तो बतलाएंगे कि कब्रिस्तान भी इसी तरह है, उसका मुतवल्ली नहीं होता, लिहाजा मुतवल्ली के सुपुर्द कर भी दिया जाए तो यह सुपुर्द करना नहीं है जब तक इसमें कोई मुर्दा दफन न किया जाए। ये बास फुकहा फरमाते हैं, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जो है इसका हुक्म भी ये सराय और पानी की सबील वगैरह की तरह है। जैसे पानी की सबील और सराय के अंदर उसका मुतवल्ली कोई होता नहीं, लेकिन अगर किसी को मुतवल्ली बनाकर उसके सुपुर्द करेंगे तो वह सुपुर्द करना साबित हो जाएगा और वह वक्फ हो जाएंगे भाई। इसी तरह कब्रिस्तान का भी यही हुक्म है भाई। तो कहते हैं वल मकबरतु फी हाजा बिमंजिलतिल मस्जिदी, और कब्रिस्तान जो है इस सिलसिले में मस्जिद के दर्जे में है, यानी जिस तरह मस्जिद सुपुर्द करने से मस्जिद मुतवल्ली के सुपुर्द की जाए तो वो सुपुर्द करना शुमार नहीं होता। तो कहते हैं वल मकबरतु फी हाजा बिमंजिलतिल मस्जिदी, और कब्रिस्तान भी इस सिलसिले में मस्जिद के दर्जे में है अला मा कीला, उस वजह से जो कहा गया है लिअन्नहु ला मुतवल्लिया लहू उर्फन, इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान का कोई मुतवल्ली नहीं होता उर्फन, उर्फ के एतबार से आम लोगों की आदत इसी तरह जारी है कि कब्रिस्तान का कोई मुतवल्ली नहीं होता भाई। वकीला, और कहा गया है ही बिमंजिलत सिकायति वल खानी कि जो कब्रिस्तान है यह पानी की सबील और सराय के दर्जे में है, और पानी की सबील और सराय जो है उसमें कोई मुतवल्ली होता तो नहीं, लेकिन अगर किसी को मुतवल्ली बनाकर उसके हवाले करेंगे तो सुपुर्द करना सही हो जाएगा और वह सराय और पानी की सबील वक्फ हो जाएगी भाई। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है ही अभी मंजिलत सिकायती वल खानी कि कब्रिस्तान जो है वो पानी की सबील और सराय के दर्जे में है। फैसिख तस्लीम इलल मुतवल्ली, तो इसके अंदर मुतवल्ली के सुपुर्द करना सही है। लिअन्नहु लौ नसबल मुतवल्ली, इसलिए क्योंकि अगर ये वक्फ करने वाला इस कब्रिस्तान के लिए कोई मुतवल्ली मुकरर कर दे यसिख, तो ये मुतवल्ली मुकरर करना सही है और उसका कब्जा सही है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु लौ नसबल मुतवल्ली यसिहु, इसलिए क्योंकि वाकिफ अगर इस कब्रिस्तान के लिए किसी मुतवल्ली को मुकरर कर दे तो यह सही है। व इन कान बिखिलाफिल आदति, अगरचे ये खिलाफुल आदत है, आम तौर पर कब्रिस्तान का कोई मुतवल्ली नहीं होता, लेकिन अगर वाकिफ किसी को मुतवल्ली बनाकर उसके सुपुर्द कर दे तो यह सुपुर्द करना सही है और सिर्फ सुपुर्द करने से ही यह कब्रिस्तान हो जाएगा, हालांकि अभी इसमें कोई एक भी मुर्दा दफनाया नहीं गया भाई।
वलौ जअला दारन लहू। अब सूरत यह है, एक शख्स ने मक्का के अंदर एक घर जो है वो हाजियों की रिहाइश के लिए वक्फ कर दिया, या किसी ने किसी और जगह जो घर है वो गरीबों और मिस्कीनों की रिहाइश के लिए वक्फ कर दिया, या किसी ने सरहदों पर कोई सरहदी चौकी जो है वो मुहाफिजों के लिए वक्फ कर दी, या किसी ने अपनी जमीन की जो आमदनी है वो गाजियों के लिए वक्फ कर दी और इस मकान वगैरह को इसने किसी मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया, तो इन तमाम के अंदर वक्फ सही हो जाएगा और अब इसके अंदर रुजू नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलौ जअला दारन लहू बि मक्कता, और अगर किसी ने अपने ऐसे घर को जो मक्का में है उसको कर दिया सुकनन, रिहाइश, भाई किसी ने मक्का के अंदर जो अपना घर था उसको रिहाइश बना दिया, तो कहते हैं वलौ जअला दारन लहू बि मक्कता सुकनन, और अगर किसी ने मक्का में अपने घर को रिहाइश बना दिया लिहाजी बैतिल्लाही, बैतुल्ला के हज करने वालों के लिए, वल मुअतमिरीन, और उमरा करने वालों के लिए, एक सूरत भाई, औ जअला दारहु फी गैरि मक्कता सुकनन, या मक्का के अलावा किसी और जगह में अपने घर को रिहाइश बना दिया, लिल मसाकीन, फुकरा और मसाकीन के लिए, दूसरी सूरत। अब तीसरी सूरत आ गई, औ जअलहा फी सगरिम मिनस्सुगूरी, सगरुन सा के साथ है भाई, सगरुन कहते हैं सरहद को, सरहद भाई जो दो मुल्कों के दरमियान सरहद होती है भाई, तो कहते हैं औ जअलहा फी सगरिम मिनस्सुगूरी सुकनन, या किसी ने सरहदों में से किसी सरहद पर कोई घर जो है उसको रिहाइश बना दिया, लिल गुजाति वल मुराबितीना, लिल गुजाति गाजियों के लिए, मुजाहिदों के लिए, वल मुराबितीना, और सरहदी मुहाफिजों के लिए, मुराबित कहते हैं सरहदों पर मुकीम रहने वाला, जिहाद वगैरह के लिए सरहदों पर जो मुकीम है उसको मुराबित कहते हैं। तो कहते हैं औ जअलहा फी सगरिम मिनस्सुगूरि सुकनन, या किसी ने सरहदों में से किसी सरहद पर अपने घर को रिहाइश बना दिया, लिल गुजाति वल मुराबितीना, गाजियों के लिए और सरहदों पर मुकीम रहने वालों के लिए, औ जअला गल्लता अर्ज़िही, या किसी ने अपनी जमीन की आमदनी कर दी, लिल गुजाति फी सबीलिल्लाह तआला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए, वदफअ ज़ालिका इला वालिन, और फिर इस घर को उसने सुपुर्द कर दिया, इला वालिन किसी वाली के, यानी किसी मुतवल्ली के, यकूमु अलैही जो उसका इंतजाम करे, तो कहते हैं वदफअ ज़ालिका इला वालिन यकूमु अलैही, और ये घर उसने हवाले कर दिया ऐसे मुतवल्ली के जो उसका इंतजाम करे, फहुआ जाइज़ुन तो ये जायज है, वला रुजू फीही लिमा बैयन्ना, और इसके अंदर रुजू नहीं हो सकता, लिमा बैयन्ना उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि मुतवल्ली के कब्जे में दे दिया तो इसकी मिल्कियत से निकल गया भाई। आगे देखिए, इल्ला अन्ना फिल गल्लती यहिल्लु लिल फुकराई, यहां से बतला रहे हैं एक है वक्फ की आमदनी, और वक्फ की आमदनी कहते हैं सिर्फ फुकरा पर खर्च की जाएगी, मालदारों पर नहीं, और एक है वक्फ के बाकी मुनाफे, जैसे पानी की सबील है उससे कोई आमदनी नहीं हासिल हो रही, उससे लोग पानी पीते हैं, उससे लोग पानी लेकर जाते हैं, या इसी तरह सराय है, सराय के अंदर लोग आकर रिहाइश रखते हैं, तो इस किस्म के जो मुनाफे हैं उसमें फकीर और मालदार सब बराबर हैं, फकीर भी उनसे नफा उठा सकते हैं और मालदारों का भी उससे नफा उठाना जायज है। हां अलबत्ता अगर वक्फ की आमदनी है वो सिर्फ फुकरा के लिए होगी, क्योंकि मालदार के पास माल मौजूद है, उसे इस आमदनी की कोई हाजत और जरूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्ना फिल गल्लती, मगर यह कि आमदनी में, यहिल्लु लिल फुकराई दूनल अग्नियाई, वो फुकारा के लिए हलाल होगी न कि मालदारों के लिए, वफीमा सिवाहू, और इसके अलावा जो चीजें हैं, मिन सुकनल खानी यानी कि सराय की जो रिहाइश है, वल इस्तिकाई मिनल बीर व सिकायती, और इसी तरह पानी लेना है कुएं से और पानी की सबील से, व गैर जालिक, और इसके अलावा और चीजें जो हैं, यस्तवी फीहिल गनी युवल फकीरों, इसके अंदर मालदार और फकीर बराबर हैं, इसमें मालदार और फकीर बराबर हैं, सब इससे नफा उठा सकते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि यह फर्क क्यों किया गया, यह
फर्क क्यों किया गया कि आमदनी से सिर्फ फुकरा फायदा उठा सकते हैं और बाकी मुनाफे से मालदार भी फायदा उठा सकते हैं। तो आपको बतलाएंगे कि फर्क करने वाली चीज जो है लोगों की आदत है, लोगों की आदत ही इस तरह जारी है। जब वो वक्फ की आमदनी वक्फ करते हैं तो इनका इरादा फुकरा का होता है, और जब वो वक्फ के मुनाफे वक्फ करते हैं तो इसमें मालदार और फुकरा सब शामिल होते हैं। भाई तो कहते हैं वल फारिक हुवल उर्फ फिल फसलैनी, और फर्क करने वाली चीज वो उर्फ है यानी लोगों की आदत है। फिल फसलैनी, दोनों फसलों में, एक आमदनी है और एक बाकी मुनाफे हैं, तो इनमें जो फर्क करने वाली चीज है वो उर्फ है। व इन अहल उर्फ, इसलिए क्योंकि अहले उर्फ जो हैं यानी आम लोग जो हैं, युरीदून बिजालिका फिल गल्लती, वो आमदनी में इसके जरिए इरादा करते हैं अल फुकारा, फुकारा का, आमदनी के वक्त में वो फुकारा का इरादा करते हैं। वफी गैरिहा, और आमदनी के अलावा वक्त में वो इरादा करते हैं। अत्तस्वियता बैनहुम व बैनल अग्नियाई, फुकारा और मालदारों के दरमियान बराबरी का, उसमें बराबरी का इरादा करते हैं कि सब इससे नफा उठा सकते हैं। वली अन अल हाजत तशमुलुल गनी वल फकीरा, और इसलिए क्योंकि हाजत और जरूरत जो है वो शामिल है मालदार और फकीर दोनों को। फिर शेर भी, पानी पीने में भी, व नुजूली और कियाम करने में भी। तवज्जो है, क्योंकि पानी पीने का जैसे फकीर मोहताज है इसी तरह मालदार भी मोहताज है, और सराय में रहने का जैसे फकीर मोहताज है मालदार भी मोहताज है, तो लिहाजा इनसे मालदार भी नफा उठा सकता है, लेकिन आमदनी जो है उसे मालदार के लिए नफा उठाना जायज नहीं, क्योंकि उसके पास अपना माल मौजूद है। भाई तो कहते हैं वली अन अल हाजत तशमुलुल गनी वल फकीरा, इसलिए क्योंकि हाजत जो है वो मालदार और फकीर दोनों को शामिल है। फिर शिर भी वन नुजूली, पानी पीने में और ठहरने और क्याम करने में। वल गनी युला यहताजु इला सरफी हादिहिल गल्लती, और मालदार जो है वो इस आमदनी के खर्च करने का मोहताज नहीं। वल गनी यो वलगनी युला यहताजु इला सरफी हादिहिल गल्लती, और मालदार जो है वो इस आमदनी के खर्च करने का मोहताज नहीं है। लिगिनाहु, अपनी मालदारी की वजह से। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और अल्लाह दुरुस्त बात को खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक दीन की एक अजीम किताब हमने मुकम्मल कर ली भाई। आप सबको भी बहुत मुबारक हो भाई, और दुआ करो अल्लाह इसको हम सब के लिए अजीम सदक़ा जारिया फरमाए भाई। सबक समझ में आ गया, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।